चलो चलो भैया कौन है रे तू? ये मेरे भैया हैं। अब देखना कैसे पिटेगा तू, समझा? जिसने हमारे आदमियों को मारा था यही है वो एसीपी सूर्य प्रकाश। मारो उसको। फोन नहीं मिला तो क्या करेंगे? हमारी स्नेहित की किडनैपिंग की बात की, उसने वीडियो रिकॉर्डिंग बना ली है। सुजय को पता चल गया तो क्या होगा? तो टेंशन है मुझे। ओहो, अरे वो देखो वहाँ है। लगता है इसने हमारी सारी बात सुन ली। अरे रुक जा, भाग कर रहा है। अमिताभ बच्चन, ये ले ये ले। मेरे होने वाले पति को मारते हो? मेरे शौहर को मारा तुमने? आओ। अरे मैडम जी ये लो। अरे यार 10 लाख रुपए चले गए। अपने 10 लाख रुपए ले लो। कोई बात नहीं, मेरी शादी अंजलि से हो जाने दे, इससे भी ज्यादा मिल जाएगी। शादी करेगा ना? पागल समझती हो? गोविंदा गोविंदा। क्या हुआ? वो बच्चा बाथरूम में छिप गया था। बाथरूम में छिपा था, बताना चाहिए था ना। कैसे बता दी? आप बात सुनते कहां? अंजलि 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 अंजलि। स्नेहित, मेरा सोना, मेरा बबलू। अंकल अंकल, आपके पास मोबाइल है क्या? मुझे टीचर को कॉल करना है। इतना ही है ना, तेरा ही मोबाइल है, ले ले रख ले। अंजलि मैं आ रहा हूँ। अंकल आंटी, भैया को आपके किडनैपिंग के प्लान के बारे में पता नहीं चलेगा, इसने मोबाइल फेंक दिया। डोंट वरी, बी हैप्पी। ये गिरजा कितना अच्छा लड़का है।
अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो इस लड़के को उड़ा दूंगा। एसीपी, तू मेरे को अरेस्ट करेगा? इंडिया में अरेस्ट बोले तो रेस्ट है, रेस्ट। जेल में खूब रेस्ट करेगा, लेकिन अब की बार नहीं, नेक्स्ट टाइम। खुदा हाफिज। ए भाईजान, ले चलो बच्चे को। हाँ भाई। तुम्हें अरेस्ट करके जेल में डालकर खाना नाश्ता सिक्योरिटी देने के बाद कोर्ट तुम्हें सजा दे, इतना इंतजार करने का पेशेंस मेरे पास नहीं है। मैं अपनी सारी कहानी खुद अपने हाथों से लिखता हूँ, कोर्ट को परेशान नहीं करता। बच गया। आ जाओ। ड्राइवर, एक रिक्वेस्ट है, गाड़ी स्टार्ट मत करना। तुम स्टीयरिंग पर बैठ जाओ, हम सब मिलकर गाड़ी को धक्का देंगे। चलो। बहुत अच्छा हुआ हम सब भाग लिए। हेलो सर। हाँ? आप सभी लोग तो ट्रिप पर जा रहे हैं ना, तो फिर इस तरह चोरों की तरह क्यों जा रहे हैं? अरे ये सब मत पूछ तू, हमारे स्कूल में एक लड़का है लेकिन वो लड़का नहीं है। अरे बाप रे, आज उसके डर से हमारी ये हालत है। सर, प्लीज सर, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ सर, आप मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लीजिए सर, मैं अभी के अभी यहाँ से चली जाऊंगी। इट इज इम्पॉसिबल। पहले से ही यहाँ स्टाफ और टीचर की शॉर्टेज है और आप रिजाइन की बात कर रही हैं। प्लीज सिट डाउन, इट इज नॉट पॉसिबल। ये क्या सर, आपको देखने के बाद तो बच्चों को डरना चाहिए, उल्टे आप लोग ही उस बच्चे के डर से भाग रहे हैं। पर ड्राइवर सर, इससे पहले भी एक ड्राइवर था, वो भी यही कहता था, लेकिन उसके बाद उसने ये सब देखा तो वो गांव ही छोड़कर चला गया। क्या सर, इतना बड़ा खिलाड़ी है क्या वो? अरे वो सिर्फ खिलाड़ी नहीं है, ही इज वेरी खतरनाक। अरे बदकार, क्या ये सब, क्या मचा रखा है? सर आप ही ने तो कहा था कि एग्जाम्स आ रहे हैं, भगवान को प्रणाम करके ही आना, तभी अच्छे मार्क्स आएंगे। तो रात को मैंने बहुत पढ़ाई की सर, इसलिए सुबह उठने में लेट हो गया, मंदिर जाने का टाइम ही नहीं मिला, इसलिए भगवान को ही यहाँ लेकर चला आया। एक मिनट। हाँ सर, सर कुमकुम लगा लीजिए सर, भगवान आपका भी भला करेंगे। एक बार उसे ठीक से समझाइए ना सर। बुलाकर समझाया उसे, लेकिन उसके बाद मैं खुद ही समझ गया। देखो अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो मैं तुझे टीसी देकर निकाल दूंगा। भगवान की पूजा करके स्कूल में आने के लिए कहा तो तुम भगवान को ही स्कूल में ले आए, तुमने स्कूल के डिसिप्लिन को तोड़ा है। सॉरी सर। गलती हो गई ना सर, देखे सर मुझे धमकी दे रहा है। गेट आउट। ओके सर। हेलो रोजी मैडम। सर। हेलो रोजी, हाउ आर यू? रुक जाओ सर, मुझे ही प्रॉब्लम में डाल दिया तुमने, क्लोज द डोर एंड गेट आउट। ओके सर। ओपन द डोर,
ओपन द डोर। उस दिन से अपने स्कूल के गेट से, ऑफिस से, बाथरूम से, यहाँ तक कि अपने सूटकेस से भी लॉक निकाल कर फेंक दिया। आप लोगों ने उसे डरा धमका कर बात की होगी, इसीलिए उसने नहीं सुना। ये बॉब कट वाली मैडम अगर उसे प्यार से बात करे तो सुन लेगा। गुड मॉर्निंग मिस। स्नेहित, जरा मेरा बाल निकाल दे। निकाला या नहीं? जल्दी निकालना। मैं जो कहती हूँ कभी भी नहीं सुनता, मस्ती करता है। मम्मी, बहुत मस्ती चढ़ी है। निकाला या नहीं? ये लीजिए मैडम। लंबी छोटी वाली टीचर अब बॉब कट में आ गई है, बेचारी। मुझे लगता है उस लड़के को उस टीचर को देखकर सहन नहीं होता होगा। उसे सिर्फ हमें ही देखकर नहीं, इस दुनिया में किसी को भी देखकर सहन नहीं होता। बहुत मुश्किल से उस दिन अतिथि लोग आए थे, उसने उनकी तिथि निकाल दी। उसे वहीं अकेले छोड़कर आ गए। गुस्से में अगर उसने कुछ और कर दिया तो क्या होगा? अरे इधर मत आ, साइड हो जा, साइड हो जा। सर आप क्यों मेरे पैरों पर पड़े हो? आप तो मुझसे बड़े हो ना सर, ये सब आपको नहीं करना चाहिए। उठ जाइए सर, उठ जाइए। अभी तक आप जिंदा हैं क्या सर? सर ट्रिप पे चलें क्या? वेलकम माय बॉय। इंग्लिश में 100 में 96, फिजिक्स में 100 में 97, बायोलॉजी में 100 में 98, मैथमेटिक्स में 100 में 99। मुझे तो इसमें कहीं मिस्टेक नहीं लगता, तुम बहुत ही तेज हो। मुझे लगता है उस प्रिंसिपल को तुम्हारे जैसा स्टूडेंट नहीं चाहिए, लेकिन मुझे चाहिए। तुम्हारे जैसा ब्रिलियंट स्टूडेंट और मेरे जैसा टैलेंटेड प्रिंसिपल अगर एक साथ मिल जाए तो हम कहां से कहां पहुंच जाएंगे। तुम्हारा एडमिशन पक्का। थैंक यू सर। नो चांस, तुम्हारी वजह से 4 टीचर रिजाइन करके चले गए, 25 स्टूडेंट स्कूल छोड़कर चले गए, हमारे 8 प्यून हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, और अब मेरी हालत देखो। अरे अब मैं किस हाथ से खाना खाऊंगा? ब्लडी फूल, हंसता क्यों है? सर, बस एक और चांस दे दीजिए ना सर। अगर तुम्हारे जैसे स्टूडेंट को एक और चांस दिया ना तो मुझे स्कूल बंद करके मंदिर के बाहर भीख मांगना पड़ेगा। गेट आउट। ओके सर, मैं चला जाता हूँ, लेकिन जाने से पहले आपका आशीर्वाद तो दे दीजिए प्लीज सर। ओके चलता हूँ, आप जैसे सर से मैं कुछ सीखूं ये मेरे नसीब में नहीं है। मैं किसी खंबे के नीचे लाइट के सहारे पढ़ाई कर लूंगा। मैं चलता हूँ सर। बच्चे गलती नहीं करेंगे तो क्या मेरे जैसे बड़े करेंगे? एक चांस दे दूं क्या? दे देता हूँ। स्नेहित, पूरे स्कूल का दुश्मन हो तुम। अरे किस महान इंसान ने तुम्हारा नाम स्नेहित रखा? मेरा बड़ा भाई ACP सूर्य प्रकाश। अरे वो देखो, जल्दी चलाओ, जल्दी चलाओ, चलाओ चलाओ चलाओ, जल्दी चलाओ, चलो चलो।
तुम्हारी पुलिस सिर्फ हमारे हाथों में हथकड़ी लगा सकती है, हमारे मकसद और जिहाद को नहीं रोक सकते। ये जिहाद हमारी आखिरी सांस तक चलता रहेगा। हम लोगों को अरेस्ट करके अंदर डालोगे तो तुम्हारा ये कर्नाटक ब्लास्ट हो जाएगा। और एक बार सोच लो, नहीं तो डर गया पुलिस वाला। डर हमारे देश के बॉर्डर के बाहर रहता है। इस बॉडी में डर नहीं, जिगरबाज रहता है। क्या हमको खत्म करेगा तू? वो नामुमकिन है। जिहाद। तुम लोग जिहाद जिहाद करते रहो, हम जय हिंद जय हिंद करके तुम सबको बुलाते रहेंगे। जिहाद। जय हिंद जय हिंद। आपने कितने टेररिस्टों को पकड़ा सर? ये टेररिस्ट किस संगठन से थे सर? ये पाकिस्तान से थे क्या? सर उनका टारगेट क्या है? सर शहर में और कहां कहां अटैक हो सकता है बताइए। सर उनको आप जिंदा पकड़ सकते थे, क्यों नहीं पकड़े? हम ड्यूटी कर रहे हैं ऐसे देशद्रोही को पकड़कर समुद्र में समर कैंप करने के लिए नहीं, संहार करने के लिए। मतलब कि सिर्फ मारना आपका काम है? जब हम उन पर अटैक करते हैं तो वो हमारी आरती उतारने के लिए खड़े नहीं होते, उनके हाथ में गन होता है। सिर्फ एक टेररिस्ट को आपने जिंदा रखा, उससे क्या मैसेज मिला? वो हमें मिलेगा या नहीं वो सेकेंडरी है, तुम लोगों को एक अच्छा ब्रेकिंग न्यूज मिल गया। लिखो दिखाओ एंजॉय करो। कसम से मैंने कुछ नहीं किया, किसी ने मेरी पीठ पर मारा और मैं फिर इसके ऊपर आ गया। मैं इस तरह की लड़की नहीं हूँ मैडम जी। अरे चुप रहे, मैं उस तरह का हूँ क्या? जा जाकर काम कर अपना, बात करती है। क्या है ये सब? इतनी उम्र हो गई है तुम्हारी, जरा से भी शर्म नहीं है? अरे क्या कर रही हो, इस उम्र में रोमांस कर रही हो क्या? और वो भी सुबह सुबह। मुझे पीछे से किसी ने मारा। बॉल कहाँ खेलनी चाहिए नहीं पता, जाकर बाहर खेल। बाहर खेलता हूँ तो लोगों को तकलीफ, यहाँ खेलता हूँ तो आपको तकलीफ। मैं खेलूँ कहाँ? अरे आकर मेरे सर पर खेल। आपका सिर क्या वानखेड़े स्टेडियम में, जो वहाँ खेलूंगा। उल्टा जवाब देगा तो एक मारूंगी। ये मारने पीटने की बात मेरे साथ मत कीजिए, वरना भाई को बता दूंगा। तो जाकर बोल देना, भैया से बोलेगा, हम भी बता देंगे तू जो मस्ती करता है। ए बुड्ढे, जा जाके बता दे। देखिए जी। आओ आओ, वेलकम। कौन है ये लड़की? अरे ये भी नहीं समझ पा रही क्या, हम इसकी शादी के लिए पीछे लगे हुए थे ना, तो ये लड़की को दिखाने के लिए लाया है। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? अंजलि। अंजलि, सुपर जोड़ी, ब्यूटीफुल। आप जो सोच रहे हैं वैसा नहीं है। तो फिर ये लड़की? माँ ये टीचर जो स्नेहिल को घर में पढ़ाएगी, मेरा फ्रेंड इंस्पेक्टर सूर्या है ना, उसने ही भेजा है इन्हें, अब ये यहीं पे रहेंगी। अच्छा स्नेहिल कहाँ है? भैया क्या ये, किसने तुम्हें पनिश किया? अंकल। ये क्या है? मैंने? मैंने कब तुझे पनिशमेंट दिया? झूठ बोलना बंद कर तू। बच्चे झूठ बोलेंगे क्या? मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? तो आप उसे क्यों डिसिप्लिन के नाम पे डराते रहते हैं? कसम से ऐसा नहीं है सूर्या, सच में ऐसा नहीं है। ना, हम बोलेंगे तो ही मानेगा नहीं, हमारी बात तो इसे झूठी लगती है। ये अनाथ बच्चा जो भी कहेगा इसके लिए वही सच होगा। माँ मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि ऐसी बातें मत कीजिए। देख अगर तू ये चाहता है कि हम ऐसी बातें ना करें तो तू पहले शादी कर, हमको हमारे वंश का वारिस चाहिए और वो भी हमारे खून से पैदा हुआ। किसी अनाथ को गोद लेकर के घर में ले आते हो और हमारे गले डाल देते हो, ये सब नहीं चलने वाला है। पता नहीं किस खानदान का है ये कमीना। ये लो, लो ना। क्यों क्या हुआ? माँ पापा ने डांटा इसलिए गुस्सा हो क्या? मुझे तो कोई भी पसंद नहीं करता, आप मुझे ले जाकर अनाथ आश्रम में ही छोड़ दीजिए भैया। वो सब तुम्हें पसंद करेंगे क्या? हम कहीं भी जाएं, हमें पसंद ना करने वाले जलने वाले हर जगह मिलेंगे बेटा। अगर इन सब से डर कर तुम भागोगे तो लोग तुम्हें और डराएंगे बेटा, और अगर ऐसा करते रहोगे तो अकेले पड़ जाओगे एक दिन। सही कह रहा हूँ ना?
मैं अकेला ना रहूं इसलिए आप मुझे यहाँ लेकर आए थे ना, लेकिन आप ही मेरे साथ नहीं रहते, ये ठीक है क्या? इन्हें ड्यूटी पर जाना होता है ना, अब से तुम्हारे साथ मैं रहूंगी। हाँ, आज से यही तुम्हारी टीचर है। मैं आज से तुम्हारी टीचर ही नहीं, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड भी हूँ। तो आप मेरे साथ नहीं रहोगे क्या? सॉरी यार, मुझे तुम्हारे साथ रहने की इच्छा है, लेकिन क्या करूं, अभी 4 लोग और मेरे टारगेट में हैं, उन सबको पकड़ के अंदर डाल दूं फिर हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। हे भगवान जी, जितना जल्दी हो सके उन चारों को मेरे भैया के हाथों पकड़वा दो। ओम ब्रह्मा मुरारिस त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतोपदश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शांतिकरा भवन्तु नमः स्वाहा। अरे थोड़ा सा आगे खिसको ना। ओम शंकराय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम स्वाहा। अरे अरे, ये धुआं कहां से हो गया इतना? अरे कितना धुआं हो गया? शंभो शिव शंभो शिव शिव शंभो, पकड़ो उसे, पकड़ो। अरे अरे, छोटे का धुआं भाग रही है, पकड़ो उसे। आज तो बचकर नहीं जा सकते, रुक जाओ। अरे बाप रे, अरे बाप रे, नहीं छोड़ेंगे, रुक जाओ। चलो जल्दी, अरे ले, चलो जल्दी, जल्दी से पीछे मुझे भी दे, ये लो। नो नो नो, अरे ये लोग तो पीछे ही पड़ गए, जल्दी से भागो। अरे जल्दी चलो, जल्दी और तेज़, मैं आगे आगे जाता हूँ, तुम पीछे पीछे आओ, चलो और तेज़, चलो जल्दी, चलो जल्दी पकड़। अगर मैं रोज ऐसे ही दौड़ूंगा तो मेरा वजन जल्दी कम हो जाएगा, है ना? देख मेरे कान से खून निकल रहा है यार, तुम इसे लेकर उस तरफ जाओ, मैं उस तरफ जाता हूँ। अरे वो साइकिल देखो, जानो तुम अच्छे से बैठी हो ना? तुम चुप रहो यार। देखो मुझे डर लग रहा है, मैं साइकिल में पहली बार बैठा हूँ ना। चुप रहो, मैं चला रहा हूँ। तुम चला रहे हो, यही तो डर है। साइकिल की जगह बाइक लानी चाहिए थी ना, हम थोड़ा जल्दी भाग जाते हैं यहाँ से, साइकिल लेकर चले आए। अरे सामने का जल्दी आओ, बैठो, मारो इसे। जल्दी यार, इन लोगों ने मुझे बहुत मारा, इन सबको छोड़ना मत यार। ए वो लोग आ गए, इतनी देर क्यों लगा दी? अकेले आए, दूल्हा कहाँ है? अरे अंदर बैठा है। ए शादी वाले दूल्हे, राइट से बाहर निकल। अबे नीचे उतर यार, एक तो यहाँ पर इतना टाइम हो रहा है। अबे क्या लंगड़े की तरह गिर गया, क्या हो गया तुझे? बहुत मारा, कान से कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा है, पैर खराब हो गया। अरे अब वो सब छोड़ो, उसके आने से पहले तुम लोगों को बांध देना चाहिए था ना। क्या यार वो? अरे वही यार, वो गले में बांधते हैं ना, क्या बोलते हैं? पागल क्या बोलता है गले में? अरे ये फांसी नहीं पागल, अरे वो अपना वो हाथ से, हाथ से बांधते हैं ना, क्या बोलते हैं? पता चल गया, पता चल गया। राखी, राखी, राखी नहीं यार, राखी नहीं, वो तीन तीन गांठ बांधते हैं ना। मंगलसूत्र है, यही तो है। हां वही वही कह रहा था मैं, अब जल्दी बांधना। अरे एक हाथ से कैसे बांधूं, हाथ भी खराब हो गया। हाथ पर टूट गया तो क्या हुआ, जान से भी ज्यादा प्यार करने वाली लड़की मिली है तुझे, किस्मत अच्छी है। अरे फटफट क्या बोल रहा है तू, मेरे इस कान से कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, जो बोलना है इस कान में आके बोलना। कान भी खराब हो गया क्या? अरे वो सब तो ठीक है, मेरी जाने बाहर कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही कहाँ। किसी के पास फोन है तो देना। अरे अरे जाने बाहर किसी और से क्यों मांग रही हो, मेरा फोन ले लो ना।
डैडी सॉरी डैडी, आपको छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा डैडी। दूल्हे को वहीं पर रहने के लिए कही है डैडी। क्या बोल रही हो? कोई बात नहीं, उसकी उम्र ज्यादा है तो भी मैं उससे शादी करूंगी डैडी। मैं बस अभी आ रही हूँ। अभी क्या जाने मन? क्या हुआ जाने मन? हाँ तो ये ले भंगार बॉडी। अरे, अरे सुनो सुनो, अरे, मैं 15 मिनट में रेडी हो जाऊंगा। मेरी बात तो सुनो, रूठ गए मत जाओ। तेरा लक ही खराब है, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। हमें भले पैसे कम मिले लेकिन तुम दोनों की जोड़ी बन जाती तो बहुत ही अच्छा होता। लेकिन अब क्या करें, ऐसा है तो पेमेंट थोड़ी छोड़ेंगे। कुछ तो शर्म करो, भगवान से डरो। मेरी हालत खराब हो गई तो मुझसे पैसे मांग रहे हो? ऐसी हालत में कहाँ से पैसा दूँ? हम अपनी लाइफ बर्बाद करके तुझे लाइफ दे दें? हम ऐसे लड़के नहीं है यार। आजकल इतना कॉम्पिटिशन बढ़ गया है की लव के मैटर में भी हमें टाइम पर पेमेंट नहीं मिलता है यार। ये बिजनेस चाहिए। अबे दूसरा बिजनेस करेंगे ऐसा बोल रहा है क्या? बिजनेस? हाँ मेरे दिमाग में भी वही है। दूसरा बिजनेस क्या करेंगे हम? काटने का बिजनेस, सैलून खोलेगा। अरे शिवा भाई सब पिक्चर में लेकर खड़े रहते हैं ना, ऐसे ऐसे करते रहते हैं तलवार। हाँ भाई वो लेकर घूमोगे ना तो बस हो गया, वो आकर अपने आप पैरों पर गिरेंगे। अपने गिरेंगे गिरेंगे, थू है तुम कमीनों पे। तुम्हारे प्लान पे हम चलेंगे ना तो अपनी बॉडी गिर जाएगी। ए तू अपनी बकवास बंद कर। देखो तुम लोगों को जो करना है करो, मेरे बाप ने तो बड़े घर में एक लड़की देख रहा है क्या? नहीं, ड्राइवर की नौकरी दिलाई है। देखो मैं इधर काम पे जाने वाला हूँ। बहुत अमीर है और क्या। हेलो, अरे बेटा हरीश आया सर। दोबारा रिपीट करो क्या सर? एक काम कर। हाँ सर। तूने जितनी पढ़ाई की है उस लायक ये तेरा काम नहीं है। ये कार्ड ले और इस एड्रेस पर जा, तुझे ड्राइवर का काम मिलेगा। ओनर के साथ अच्छी तरह रहना, लाइफ सेटल हो जाएगी। थैंक यू सर, आप बहुत बड़ा थैंक यू सर। और सुन, एक फूल बोल देना और हमारा बिल भी सेटल कर देना। ठीक है सर, कमी ना कहीं का। ये क्या किया तूने? कम से कम ड्राइवर की नौकरी कर लेता तो मेरी लाइफ सेटल तो हो जाती ना। अब मैं क्या करूंगा बता? अबे डरता क्यों है, तेरे डैडी है ना। अरे जिसने भी कर्जा लिया है वो कल आ कहते रहता है। अब से कोई कर्जा लेने आए तो उसे भी कल आने को कहना। ठीक है। इतनी तपती धूप में तू इन तीन बंदरों को लेकर कहाँ घूम रहा है? बात क्या है? हमें आपसे कुछ बात करनी थी डैडी। डैडी हम लोगों ने नया बिजनेस स्टार्ट करने का फैसला किया है, इसलिए थोड़े पैसे चाहिए थे। ड्राइवर के काम के लिए तुझे जाने को कहा था ना, उसका क्या हुआ? वो क्या है ना, मेरे दोस्तों को वो पसंद नहीं आया इसलिए दूसरे को भेज दिया। अरे नालायक, इतना अच्छा काम तूने दूसरे को दे दिया। अगर तू वो काम करता तो तेरी लाइफ सेटल हो जाती। अरे छोड़िए, वो भी कोई काम है क्या? उससे तो अच्छा हम चारों कहीं एक जगह बैठ कर उठा क्या उठाओगे? अरे कटोरा और क्या। थैंक यू। चुप लो, दादी बोले तो ऐसे डाली वाली लग के ऐसे लेना चाहिए। मतलब विजय मालिया जैसा। और ये तो ऐसे बैठ कर रास्ते पर खुद ही भीख मांगते रहते हैं। भीख भीख। अरे नालायको, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा खराब हो गया। तुम लोगों की देखिए डैडी, मेरे दोस्तों से ऐसे बात मत कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। ओहो, दोस्त लोग, इन नालायकों ने तेरे साथ दोस्ती क्यों बढ़ाई तुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे सब कुछ याद है। ए परसा, आके बूस्ट पी ले। आया आया डैडी। ए तू गल जा ले, तू जाना। अगर हमें भी बूस्ट पीना है तो मैं क्या करना होगा यार? हम सब हाथ पकड़ के ऐसे करते हैं ना, वैसा करना पड़ेगा। मतलब कि फाइटिंग? हाँ अबे फाइटिंग नहीं बे पागल। मैं और ये तेरे को क्या लगते हैं? दोस्ती दोस्ती। तो उसके साथ वही करना चाहिए। अच्छा, उस दिन से लेकर आज तक ये लोग कभी तुझे अकेले दूध पीने दिए हैं? अरे ये नालायक लोग तुझसे दोस्ती सिर्फ दूध पीने के लिए किए हैं। क्या है डैडी, बिजनेस के लिए आप हमें पैसे देंगे या नहीं? बोला ना नहीं दूंगा। इसी समय से तुम्हारा बेटा तुम्हारे घर में पैर नहीं रखेगा। समझूंगा, पनौती निकल गया। मैं कहाँ रहूंगा? ए क्यों इतना सोचते हो यार, इधर इधर रखेंगे तुझे। डर मत, उनके जायदाद में अपना हिस्सा मांग ले। अरे कमीनों, तुम लोगों को चप्पल से मारूंगा। नमस्ते रामा। छोड़ छोड़। ओहो रामा, आओ आओ। अगर पैसे नहीं दिलवाए तो हम बिजनेस कैसे करेंगे? आपने प्रूफ मांगा था तो मैं ये घर के पेपर्स लेकर आया हूँ, ये लीजिए। ओरिजिनल है ना? सब लोगों को देते हो, हमें क्यों नहीं देते हो? अरे पूछना ऐसा। इस तरह अगर सिक्योरिटी देनी पड़ी तो मैं गांव वालों को क्या, किसी भिखारी को भी दे दूंगा। तुम लोगों के पास देने के लिए कुछ है क्या? रामा, 10 लाख बहुत हो जाएंगे कि और चाहिए? इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो कितना भी दो चलेगा। फिर आगे पीछे नहीं, नहीं, क्या? गोविंदा गोविंदा गोविंदा। नमस्ते मैडम, मैं बीबी मतलब भंगरप्पा बोल रहा हूँ। मैडम
अभी मैं अपने बेटे को भेजूंगा, आप उसे 10 लाख रुपए दे देना। हाँ ठीक है ठीक है। ए टिफिन रेडी हुआ कि नहीं बोल। अरे 10 डोसा और 20 इडली रेडी कर दिया है दीदी। बस इतना ही? चिकन मटन हाँ। बोटी वोटी नहीं है क्या? हाँ? मैडम डाइट करना चाहिए मैडम, नहीं तो 6 पैक इस जन्म में नहीं बनेगा। ए सुन, 2 अंडे कम कर देना। ठीक है ना भाई? ठीक है मैडम। ओके नमस्ते मैडम। हाँ क्या बात है, तुम्हारे डैडी किधर है? आपका इंटरेस्ट जमा करने आया है। ये लोग कौन है? ये लोग मेरे बचपन के दोस्त है, बिफोर चड्डी फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्यों आए हैं? मैडम 10 लाख रुपए देंगी, जाके ले आओ, ऐसा मेरे पिताजी ने कहा है, वही लेने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। लेकिन तुम्हारे डैडी ने बोला था किसी लड़के को भेजेंगे। मैडम ये भी तो आखिर लड़का ही है। पैसे दे दो इनको। अरे बाद में ये लोग हमारे भी तो काम आएंगे ना दीदी, आपकी लव स्टोरी के लिए भी तो काम आएंगे ना ये लोग। ए बंगारप्पा को फोन कर। वो सब कुछ नहीं है, नियति से इनके डैडी का दूसरा नाम बंगारप्पा है, ऐसे लोगों से फोन करके पूछेंगे तो उनकी बेइज्जती हो जाएगी। हाँ ठीक है, तुम्हारे डैडी कैसे हैं मैं जानती हूँ। ए इनको 10 लाख रुपए दे कर भेज दो। दांत चला गया, दांत चला गया। शो। सब क्लोज हो गया क्या? बाजीगर बन रहा था। ये ले 90 मार के सब लोग घर निकल लो। थैंक यू सर। ओए 1000-1000 रुपए का एक और गेम हो जाए, चल शुरू करते हैं। अरे पैसे हार गए हम लोग यार। रिलैक्स यार, रिलैक्स। डैडी मुझे क्या जवाब दूंगा? कह देना कि खेल में हार गए। अरे नालायक, तुझे मेरे डैडी छोड़ेंगे नहीं। मार यार। कौन है ये भिखारी? हे रामा, बात मारा। ये सब क्या है, इसे क्यों मार रही हो मैडम? तुम्हारा नाम लेके ये लोग मुझे लूटने आए थे। मेरा नाम लेकर वहाँ क्या करने गया था रे? बंगारप्पा ने मुझे भेजा है 10 लाख रुपए दे दो, ऐसा कहकर सुबह से मार रहे हैं मुझे। ए बंगारप्पा, कल जो 10 लाख रुपए लेकर गया था वो लड़का कौन है? मैंने जिसे कहा था वो ये लड़का है। वो लड़का कौन था? कौन सा लड़का? हाँ हाँ हाँ, समझ गया मैडम, वो चारों बंदर आपके पास गए थे, इसका मतलब आपका पैसा गया इसमें। ए छुपा तू, तूने ही पैसे छुपाए है ना? अब ये तो गोविंदा ही बता सकते हैं। गोविंदा, गोविंदा, तू तेरा बेटा और उसके दोस्त सब लोग मिलकर मुझे धोखा देने का सोच रहे हो क्या? अगर मैंने अपने भाई को बता दिया ना तो तेरी बोटी कलेजा सब निकाल के फेंकेगा। ये सच में डॉन है? डॉन वन कुछ नहीं है, एक छोटा सा गुंडा है। आफत का पहला नाम है गोविंदमा, आफत का दूसरा नाम है गोविंदमा का भाई। पैसे कैसे वसूल करना है मैं जानती हूँ। ए फोन दे। ए बंडी, शार्क के मुंह से छोटी मछली बच सकती है क्या? नहीं भाई। ये बंडी के हाथों से कर्जा लेके कोई बच सकता है क्या? ये पॉसिबल नहीं है भाई। मेरी बहन के साथ धोखा किया तुम लोगों ने, इसकी सजा क्या होती है मालूम है? सूद समेत पैसा देना। नहीं, पत्थर तोड़ना। ए, जल्दी जल्दी तोड़ बे, चेहरा क्या देख रहा है, तोड़ जल्दी, चल जल्दी कर। ए, इनको हथौड़ा दे, पत्थर तोड़वा। तालो को भाई, ए तल तक पत्थर तोड़ना है। क्या बोल रहा है रे? हमारा कर्जा चुकता होना चाहिए, इसलिए कितने दिन पत्थर तोड़ने पड़ेंगे? 1 लाख के लिए सिर्फ 1 साल। मतलब 10 लाख के लिए 10 साल? अरे भगवान। ए भाई, कोई डिस्काउंट नहीं है क्या? ये संडे बाजार नहीं, बंडे का बाजार है। नो डिस्काउंट, ओनली पनिशमेंट। भाई भाई, नमस्कार भाई। क्या गंगाराम, क्या बात है भाई? मेरा लड़का एक लड़की से बहुत प्यार करता है, वो उसके प्यार में पागल हो चुका है भाई, लेकिन वो लड़की है ना वो मान नहीं रही है। भाई अपना पावर दिखा के आप इस मैटर को सुलझा दीजिए ना भाई। काम करवा दूंगा तो कितने पैसे दोगे? 3 लाख, 5 लाख, 8 लाख?
मैं तुझे 20 लाख रुपए दूंगा। मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ उससे आई लव यू बुलवा देगा तो। अगर बोल दिया तो मैं तुझे मुंह मांगी कीमत दूंगा। करेगा क्या? पर भाई आप उस लड़की को तो खुद उठा सकते हो ना? उठा के लेके आने की बात मुझे भी पता है, लेकिन वो खुद आके बोले तो मजा आता है ना। तू उससे बुलवा पाएगा या नहीं सिर्फ ये बता। भाई ये कैसे होगा भाई? होगा ना, यहाँ से कल्टी मार। प्यार करना इतना आसान नहीं होता है। इसे यहाँ से भेजो। भाई भाई बात तो सुना भाई। भाई भाई आप जिस लड़की से प्यार करते हो अगर वो आपको आई लव यू बोल दे तो हमारा कर्जा माफ कर दोगे क्या? ए कॉमेडी कर रहा है? अरे भाई लव केस सॉल्व करने में हम लोग तो एक्सपर्ट हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। चुपचाप जाके पत्थर तोड़ते हो नहीं? भाई भाई एक चांस तो दो ना भाई, हम क्या है आपको दिखाते हैं ना। एक बार और सोच ले, अगर लड़की से आई लव यू नहीं बुलवा पाए ना तो 10 के बजाय 20 साल तोड़ दो। ठीक है देखते हैं। भाई वो लड़की कौन है, कहाँ रहती है, हमें उसकी सारी डिटेल्स चाहिए। मेरे दिल को चुराने वाली चोरनी। अरे ले ये लड़की है, ये तोल दे, ये तेले तो इतना में नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। ए क्या बोल रहा है भाई? ये कह रहा है कि जीवन भर हम पत्थर तोड़ेंगे अगर ये काम नहीं हुआ तो। ऐसा कह रहा है? बिल्कुल सही। भाई 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 आपकी लव स्टोरी शुरू कैसे हुई थी ये बताइए, एंड हम लोग कर देंगे। मेरी लव स्टोरी काट के रख दूंगा। चार लोगों को दौड़ा के काटने के लिए बोलो तो काट सकता हूँ, लेकिन उसके सामने खड़ा होके बोलोगे 3 शब्द बोलने के लिए 3 शब्द नहीं बोल पा रहा हूँ। आई लव यू मेरी जान। आप अपना दिमाग मत खराब करो भाई, हम उससे बुलवाएंगे, लेकिन भाई इन सब कामों के लिए बहुत सारा पैसा खर्च होता है। हाँ, और तो हमारे पास तो 1 रुपया भी नहीं है भाई। ये ले मशीन का कार्ड, अंदर डालेगा तो पैसा बाहर आएगा। मेरा काम जल्दी हो जाना चाहिए। हो जाएगा हो जाएगा। अगर भागने की कोशिश की तो अरे इस दुनिया से गायब हो जाएंगे, हमें पता है भाई। भाई उस लड़की का फोन नंबर, उसका एड्रेस मिलेगा क्या हमें? बंडी भाई, चामिया मास्टर, छोटा चेतन, ये लड़की उस गेंडे को आई लव यू तो क्या चप्पल भी नहीं मारेगी यार। वो काला सुअर है, ये गोरी हिरन है, दोनों का मेल कैसे करवाएंगे? इन दोनों को एक करने से पहले इस एरिया में घर बनाने की सोच। अरे भाई क्या हुआ? एक इंसान के लिए मेरा वहाँ रहना तो ठीक है, तुम तीनों क्या करोगे? आर कैसे हो? हाँ सर आइए सर आइए आइए। अच्छी बात है, एक ही दिन में तुमने सब कुछ एकदम साफ कर दिया। 4 लोगों का करने वाला काम तुमने अकेले ही कर दिया। अरे मैं सच में बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। देखिए सर कर्टन नया डाला है। ये क्या है? आदमी को रहने के लिए यहाँ जगह नहीं, ऐसे में तुमने इन बंदरों को यहाँ रख के बिल्कुल जू बना दिया है। वो सर मैं गांधी जी की बहुत इज्जत करता हूँ, इसलिए मैं जहाँ भी जाता हूँ गांधी जी के 3 बंदरों को जरूर साथ में रखता हूँ। ओके ओके। ये सब क्या है भाई? अभी मैंने देखा तो इसने आंख बंद किया था, इसने मुंह बंद किया था और इसने कान बंद किया था, और अभी देख रहा हूँ कि सब उलट पुलट हो गया। सर कोई कुछ भी बंद करे आपको क्या प्रॉब्लम है, बंद किया है वो इम्पोर्टेंट है ना। करेक्ट करेक्ट। ये तो ठीक है, लेकिन ये मिले कहाँ? क्यों सर? मैं अपने घर में भी रखने को सोच रहा हूँ। घर में आप है तो बंदर की क्या जरूरत? कहा व्हाट डू यू मीन? मतलब आप खुद ही ज्ञान के भंडार है तो बंदर की क्या जरूरत? करेक्ट करेक्ट। तुम बहुत स्मार्ट हो, सच में बहुत स्मार्ट हो। गुड गुड, करेक्ट करेक्ट। क्यों बे, तुम लोग एक जगह पे ठीक से नहीं बैठ सकते, ऐसे क्यों तड़प रहे हो तुम लोग? यहाँ दे तो तालो तालो तुकता। ये कॉस्ट्यूम पहन कर देख कहाँ कहाँ पर चुपता है पता चलेगा। हम लोग तो इस घर में सेटल हो गए, अब उस बंडी की लव स्टोरी को कैसे सेटल करें? देख यार, जो आदमी बार में जाता है ना वो बोतल भी जरूर पीता है, ज्यादा टेंशन मत ले। चल बाहर चल, 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 अरे चल, छोड़ो छोड़ो, क्या कर रहे हो? अरे भाई इधर आओ, इधर आओ, दे दो दे दो, उधर दे दो उधर।
अरे रे कौन है कौन है? आपके घर पे जो भाड़े पे रहता है वो हूँ। ओह परसा हो? नहीं तो फिर परशुराम। नाम तो पूरा बोलिए ना। ए, कौन है तू मरने के लिए आ गया? ठीक है ठीक है, जल्दी से रास्ता छोड़ो। उस लड़की को छोड़ोगे तभी रास्ता छोड़ोगे। क्या कर लोगे बोलो? चार बार बजाएंगे। तुम्हें अभी माइकल के बारे में कुछ पता नहीं है। ए, बाहर आओ रहे। हम चारों दोस्त हैं, मगर भिड़ जाए तो हमारी है। इन चारों का भूर्ता बना दो। मत्ता मालू, तेले को लदे दा, तेले का ना। छोड़ दीजिए, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। छोड़ दो, छोड़ो मुझे, प्लीज छोड़ दो मुझे। ये ले, ओ माय गॉड, और मार उसे। एक मिनट उसे देखने दे। टेंशन मत लो, हम लोग हैं। लड़की को घर ला रहा था, इन्होंने मुझे बीच रास्ते पे खूब मारा। आप तो मारो, इसे भी मारो। तुझे शर्म नहीं आती क्या? देखने में तो लखपति लगता है लेकिन काम झोपड़पट्टी जैसा करता है। मुझे तो छोड़ना नहीं चाहिए। डैडी, आपको कुछ हुआ तो नहीं? डैडी, मेरा नसीब कि मैं तेरा डैडी हूँ ये अभी तक तुझे याद तो है। बेटी, तू जो इस तरह से बिना बताए घर छोड़कर चली आई, मुझे बताएगी क्या तूने वो सही किया? क्या कोई ऐसा करता है क्या? सॉरी डैडी, पर मैं उससे शादी नहीं करना चाहती थी। ये क्या कह रही है? तुझे इससे शादी करना पसंद नहीं था तो मुझे पहले बताना चाहिए था। क्या बोला? शादी नहीं करवाएगा? कान खोल के बात सुन लो, मुझसे शादी करने के लिए लड़कियों की लंबी लाइन लगी हुई है। मेरा एहसान मानो कि मैं तुम्हारी लड़की के साथ शादी करना चाहता हूँ। तू मुझे छोड़कर भाग रही है, मैं भी देखता हूँ कि तू कहाँ तक भाग सकती है। मैं तुझी से शादी करूँगा, समझ गई ना? देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। क्या बोलते हो लड़की? मेरी बेटी पर लाइन मारने वाला तू कौन है? मैं इसका होने वाला पति हूँ। अरे तुझ जैसे बेवकूफ के साथ मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा क्या? इम्पॉसिबल। मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी पर हाथ उठा रहा है। गेट आउट। डैडी को गुस्सा है ना तो दो लगाएंगे चेहरे पे। चल निकल बे। चल सेठ जी, हम भी मजनू के खानदान से हैं। मजनू के खानदान से लैला को तो अपनी बना के रहेंगे। लैला तो मेरी ही बनेगी। आई एम सॉरी बेटा, ये मल्टी विनियर ऑनर। अब इस घटना के बाद तेरी शादी के मामले में मैं कभी अपनी राय नहीं दूंगा। तुझे जो लड़का पसंद है उसके साथ ही तेरी शादी होगी। हैप्पी? अब हम चलें क्या? डैडी, टीचर। जब मैं मिनिस्टर की ड्यूटी पर था, अनाथ आश्रम से रोज एक लड़का लेटर लिखता था, मेरे मम्मी पापा को ढूंढ दो, मेरे मम्मी पापा को ढूंढ दो। तब मैं जाकर उस लड़के से मिला और उसके मम्मी पापा को ढूंढने का वादा किया। लेकिन उसके बाद मुझे पता चला कि उसके मम्मी पापा तो इस दुनिया में हैं ही नहीं। मैंने सोचा उसके मम्मी पापा को नहीं ला सका तो क्या हुआ, उसके मम्मी पापा का प्यार तो दे ही सकता हूँ। इसलिए उस बच्चे को यहाँ लेकर आ गया। यही वो लड़का है स्नेहल। मैं अपने ड्यूटी पे बाहर जा रहा हूँ,
मेरे आने तक स्नेहल का ख्याल आपको ही रखना है। डोंट वरी सर, आपके आने तक उसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी मेरी है। इट्स अ प्रॉमिस। थैंक यू। मैं सिर्फ तुम्हारी टीचर नहीं हूँ, अब से मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। आपने उस दिन कहा था कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और अब आप ही मुझे छोड़कर जा रही हैं। ठीक है, जाइए। सॉरी यार, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, अब से मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। सो क्यूट। मेरी जान बचाने के लिए तुम लोगों का शुक्रिया। ए तितालो नहीं मिले थे, हम लोग हेल्प नहीं चले देते तो हम चले जाए, इसलिए हम लोग ने हेल्प की। एक ही कॉलोनी में रहते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं, है ना। इसे बात करना नहीं आता क्या? बात करना आता मगर ठीक से बोल नहीं पाना। मतलब बचपन में पोलियो ड्रॉप नहीं पिया था ना, इसलिए जुबान को लकवा मार गया। वो तो ठीक है, वैसे तुम लोग करते क्या हो? कर्ज लेकर बैठे हैं। कर्जा मतलब? मतलब सामाजिक शादी कराते रहते हैं तो उसको शॉर्टली साला बोलते हैं। एक मिनट, आप लोग समाज सेवा करते हैं ना, ये तो क्या बकवास कर रहे हैं? मत कीजिए, जाइए अंकल, जाइए। एक मिनट रुक जा, चाय। चाय से ज्यादा तो ड्यूटी इम्पोर्टेंट है, सही कहा ना अंकल? आपका टाइम निकलता जा रहा है अंकल, जाइए जाइए। चलिए, एक ही कॉलोनी में रहकर इतना भी नहीं कर सकते, आए पड़े डायलॉग मारने वाले। मैंने जो कहा था वो काम हुआ है नहीं भाई? अभी उसे जान पहचान हो गई है, बस थोड़े ही दिनों में वो हो जाएगी भाई। ए, ज्यादा सौड़ बनती नहीं भाई, भाई वो भी फ्रेंड है, बात लगा जाएगी। मेरी या तेरी? कैसी बात कर रहे हो भाई, हम पे कैसे फीस लगी वो? क्या बे, ये वो करके बात कर रहा है? हाँ भाभी बोल, भाभी समझा? ए बात ना, मैं नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। ए तू कौन है भैया, क्या बकवास कर रहा है? उसकी आखिरी सांस तक भाभी 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 ऐसा कौन का बोल रहा है? हाँ सही है सही है, लव कराने के लिए कितना समय चाहिए? और आपका गेटअप, लुक वगैरह सब कुछ चेंज करना पड़ेगा भाई। हाँ भाई, क्या कौन सा गेटअप? दो आंखें बारह हाथ में जैसे मैकेनिक था, गुली नंबर वन में जैसे गोविंदा था, दुनिया पिक्चर में पत्थर तोड़ने वाला में जैसे ड्राइवर था। ऐसा ही है सर, हमारी लड़कियों की चॉइस। सारे हीरोज ने सारे गेटअप मार लिए, मैं कौन सा गेटअप करूं? इस लेसन में ये एक्सरसाइज सबसे इम्पोर्टेंट है, इसे ठीक से कर लेना, ठीक है ना? और जब तुम अगर तू ही नाक बंद करके खड़ा रहेगा तो क्लीन कौन करेगा? मैं? नहीं तो तले दा, तू ही था। जरा जल्दी करना। अरे मैं बता देता हूँ भाई, मेरा प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। मुझे पता है आपको प्रेशर ज्यादा जोर से हो रहा है, आप मेरी बात सुनिए, आप अंदर जाइए, हम यहाँ पर रहकर सब कुछ ठीक कर देंगे, हम जैसे बोलेंगे वैसे छोड़ते रहिए। अरे कैसा नालायक आदमी है, देख क्या रहा है? जल्दी जल्दी काम खत्म कर, कल का बनाया वो मीठा भात बचा है, खाने के लिए देता हूँ, जल्दी क्लीन कर। कल का बनाया हुआ मीठा भात अभी तक गर्म होगा क्या? वो अंजलि ने बनाया भाई, उसने बनाया है। ओके, इसे अच्छे से याद कर लेना, फिर तो गर्म रह सकता है। नालायक बेहुदा, गेटअप गेटअप करके ऐसा गेटअप करवा दिया। अरे कितनी देर हो गई, अभी तक काम क्यों नहीं खत्म करवाया यार? ए, तू इतनी देर से कहाँ पे था? मेरा पेट खराब हो गया था इसलिए मैं अंदर गया हुआ था। अंजलि अंजलि अंजलि, ये सब मिलके कुछ तो खिचड़ी पका रहे हैं। मुझे देख रही है, शर्मा भी रही है। ये लो भैया मीठा भात खा लो। कल वाला भात है क्या? तुम आ गए, अच्छा किया, वरना थोड़ी देर में आते तो कुत्ते को डाल देती। ये लो ये लो ये लो, खा लो खा लो खा लो, तुम लोग भी आ जाओ, गरम गरम इडली बना देती। आंटी इसे भी गरम गरम इडली दे दीजिए ना, ये भी तो हमारे जैसा इंसान ही है। ठीक है ठीक है, चलो चलो, आप वो मत खाइए, हेल्थ खराब हो जाएगी। ओके मुझे प्यार हो गया। अंकल उस दिन खेलते वक्त मेरी बॉल इस गटर में चली गई थी, प्लीज निकाल के दे दीजिए ना। जावे, मैं आपको एक रुपया दूंगा। हा? मैं गांव वालों को पैसे देता हूँ, तू मुझे दे रहा है? मेरी जिंदगी में और कुछ काम नहीं क्या? चल जावे। प्लीज अंकल। ए, उठा के इसमें डाल दूंगा, चल निकल यहाँ से। मेरे ही घर पर आकर मुझे ही गटर में डालेगा, अभी देखता हूँ। जावे।
कितनी बदबू आ रही है। अरे सिस्टर, इस हॉस्पिटल को सुपर हॉस्पिटल कहा जाता है, लेकिन देखो यहाँ कितनी गंदी स्मेल आ रही है। हेलो मिस्टर, स्मेल टॉयलेट से नहीं आ रही है, इसके मुंह में से आ रही है। मुझे किसने धक्का मारा? उस घर का छोटा बच्चा था ना, उसी ने। उठा लूं क्या उसे? उसकी तो खेलने की उम्र है, उसको उठा कर क्या करोगे? भाई क्या सीन है यार। गाजियाबाद में एक लड़के ने एक लड़की को छेड़ दिया और उसके बाद। हेलो अंकल, कैसे हैं आप? फाइन थैंक यू। तुम लोग यहीं पे मरो। अरे परसाई, ये क्या बचपना है? हाथ हटा, हटा ना हाथ। अरे बेवकूफ, मैंने कहा हाथ हटा। अरे बेवकूफ, तूने फिर से मेरी आंखों पे हाथ रख दिया। अरे हाथ हटा ना। अपना हाथ बिल्कुल मत हटाना। छी छी, चल चल चल, नॉनसेंस। मुझे मत रखना। आज तो नहीं चलेंगे। स्नेहित, जा कलर लेकर आ, जल्दी कर। ये लो, जल्दी कर, जा ना। ये लो, तुम भी लो। आप ही बताता हूँ। स्नेहित, ये लो। ये क्या ला के दिया तूने? मिर्ची पाउडर। मिर्ची पाउडर? क्या बात कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं होगा, ये क्या कर दिया इसने? अरे कुछ नहीं होगा, शांत हो जाओ। हाँ हाँ पता है। क्या बात है, बड़ा रेडी शेडी हो रहा है तू? जा कहाँ रहा है? कल मेरा हैप्पी बर्थडे है ना, इसलिए थोड़ा रेडी हो रहा, शॉपिंग के लिए जाना है। हे एटीएम कार्ड निकाल। ये ले यार। हाँ थैंक यू। चलो। ए परसा, पार्टी कब है? तेरे लिए पार्टी मैंने रूम में ही अरेंज की है, आने के बाद दूंगा। ये ले। ए बस हो गया, किसको बोल रहा है तू? हां तो मैं बोलता हूं। अबे जा बे बच्चा, छोटे भी आया। मेरे बर्थडे को अपना बता के ज्यादा चालाकी मत कर, समझा ना? एक दो क्या क्या बोल रहा है? अरे बाजू में ये छोटे भी आ रहा है। हाय हाय हाय, हाउ आर यू? हैप्पी बर्थडे टू यू ऑल। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे अंकल। थैंक यू। नमस्ते। तुम चारों एक ही डेट पर पैदा हुए, ये सुनकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। वो हमें भी आश्चर्य हो रहा है ना दोस्तों? इसमें आश्चर्य होने वाली कोई बात नहीं है। जैसे नेहरू चाचा का बर्थडे सारे बच्चे सेलिब्रेट करते हैं ना, वैसे ही मेरा बर्थडे ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। वाओ, ग्रेट फ्रेंड्स यार। आइए पार्टी स्टार्ट करते हैं। आओ गया, यही पर रुकोगे? मुझे तो बहुत भूख लगी है। अंजलि, ये खाओ ना पनीर टिक्का। ये खाने के बाद तुम्हारे पास वो जो दो है ना, मतलब आंखें ब्राइट हो जाएंगी। अंकल, मेरी आंटी और अंकल की भी आंखें ना बहुत डल हो गई हैं। ये खाने से उनकी आंखें भी ब्राइट हो जाएंगी क्या? हाँ बिल्कुल। ऐसा है तो फिर पैक कर दीजिए। ले लूंगा। अंजलि, ये यहाँ की बहुत स्पेशल डिश है, तुम इसे ट्राई करो, तुम्हारी स्किन बहुत ब्राइट हो जाएगी। मेरी आंटी और अंकल की स्किन भी बहुत ज्यादा ड्राई हो गई है, ये खाने से उनकी स्किन भी बहुत सॉफ्ट होगी क्या? हाँ हो जाएगी। ए मिलती लदा, तेरे ताता तो ताने तो बोल, टिक पैक बन जाएगा। आप ही खा लीजिए, ठीक से बोल तो पाएंगे। बिल मैं ही दे देता हूँ। हे बिल मैं दूंगा। देता हूँ, देता हूँ। पैसे मैं दूंगा, ऐसा दिखावा नहीं करना चाहिए। तुम रुको, पैसे मैं देता हूँ। अंकल,
ये तीनों झगड़ रहे हैं कि पैसे मैं दूंगा पैसे मैं दूंगा, आप नहीं देंगे क्या अंकल? सुपर अंकल। टीचर, आंटी और अंकल मेरा वेट कर रहे होंगे, हम लोग चले क्या? ओके बाय, इट वाज अ नाइस पार्टी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर, होटल क्लोज होने का टाइम हो गया है, अगर आप बिल दे देंगे तो ये लीजिए। ओह थैंक यू। पैसे तेरे पास नहीं, इसके पास नहीं, मेरे पास नहीं, फिर एटीएम कार्ड कहाँ चला गया? बिल दांत वाले, मैं बिल देता हूँ, ठीक है भाई? सर वो हमारा एटीएम कार्ड गुम हो गया सर, कल सुबह के पैसे दे दूंगा। पैसे नहीं है सर। जी सर, प्रॉमिस सर, प्रॉमिस। गारंटी गारंटी गारंटी। खर्च करने के लिए पैसे नहीं है तो थोड़ा हम दे देते हैं, हमसे ले लीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ले बताते हो? हां एक्सक्यूज मी, ये मेरा पड़ा था, क्या आप में से किसी का है? तूने दापा था? अरे आपकी कसम, बाहर से मिला। मालूम है, चल पार्सल आना मत भूलना अंकल। पार्सल बाय करता है, चल। बस मैं अभी आया। थैंक यू सो मच, आई एम सॉरी, फिर से आइएगा खाना खाने के लिए। ये तो इन नंबर का कमीना, चल निकल यहां से, चल जा जरा पहले। ये बंडी है कमीना। हेलो भाई, अब उसे कौन सा गेटअप दें? हाँ मार लो मार लो मार लो भाई, मार लो मार लो भाई, मार लो भाई, मार लो भाई, शानदार वैसे, बहुत अच्छा कर रहे हो। अंजलि आई नहीं यार, देखो ना कुत्ता भौंक रहा है, मुझे कुत्तों से बहुत एलर्जी है यार। भाई भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं और काटने वाले कुत्ते कभी भौंकते नहीं है। क्या भाई भाई, अरे भाई मारो मारो मारो, टेंशन मत लो, बजाओ 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 बजाओ। ये हुई ना बात, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब नहीं मारा जा रहा है, अंदर जाके अरे मारो मारो, अंदर मिले थे पत्ता। अबे चुप रहना, क्या कर रहा है? ए दे तो दे तो, आ जा आ जा। हाय, यहाँ पर क्या कर रहे हो? अंदर आओ ना। हाँ अंदर आओ, सब वक्त सिखाना है। ये खुद को मार रहा है, क्या मुझे दर्द भी नहीं होता। बहुत स्ट्रॉन्ग है ये। एक बात बोल दो ना तो भाई, अपने हाथ तो दांत का लंदा ना जा जा। ये क्या बोला? हेलो रुको रुको प्लीज, आप ऐसे खुद को मार रहे हैं, आपको बिल्कुल भी दर्द नहीं होता क्या? दिखने में तो अच्छे लग रहे हो, हाथ पैर भी अच्छे हैं, ये सब छोड़कर पेट भरने के लिए कोई दूसरा काम क्यों नहीं करते? इंसान के रूप में जन्म लेना बहुत बड़ी बात है, इस तरह मार कर पैसे कमाना, भीख मांगना, ये बहुत गलत बात है। आज के बाद ये काम मत करिएगा, ठीक है ना? जाइए तुम लोग आओ। यही वो बच्चा था ना जिसने मुझे उस दिन नाले में ढकेला था? मुझे डराएगा, मैं भी देखता हूँ। लकी को लकी, भाई ये क्या? रन लकी रन, गो लकी। भाई नमस्ते भाई, ये क्या है, फेस पे पूरा बैंडेज लगा दिया क्या? फेस नहीं है यार, फेस है, आगे आ जा। क्या यार, काटने वाले कुत्ते भौंकते नहीं है, भौंकने वाले काटते नहीं है। हमें पता थी लेकिन कुत्ते को पता नहीं थी ना। इज राइट भाई, उस कुत्ते को छोड़ा किसने? वो छोटा बच्चा है ना, उसी ने छोड़ा था। उस लड़के को उठा लो, वो तो खेलता कुत्ता बच्चा है, उसे क्यों उठाएंगे? सब मुझे नहीं पता, यहाँ से डिस्चार्ज होने के पहले अंजलि मुझे आई लव यू बोल दे, मैं यही चाहता हूँ। अगर नहीं बोली तो जानते हो ना। मेरा लिखा हुआ लेटर अगर कोई भी लड़की पढ़ ले तो उसका दिल कितना भी पत्थर दिल हो, पानी पानी की तरह पिघल जाएगा। अरे बेदी भाई, तू कुछ नहीं लिख रहा है क्या? इंसान था, दिल नहीं होता इतना। हाँ क्या, दिल सफेद पेपर की तरह है, इसलिए खाली पेपर ही दे देगा? ओके ओके दे दे। ए,
जिसको जो देना है वो दे। जैसे करोड़पति में एक सवाल के चार जवाब होते हैं ना, उनमें से जिसमें सही जवाब होगा वो लेटर मेरा है। सिर्फ एक ही आदमी का लेटर पसंद आएगा और वो लेटर है मेरा। हाँ बोले बोले, कितनी भी अच्छी तरह से तुम लोग एग्जाम दे दो लेकिन फर्स्ट रैंक तो मेरा ही आएगा। ए तू क्यों चुप है यार, तुझे भी मौका मिला तू भी कुछ बोल। अबे दादे, अबे जा जा चल। छोड़ यार छोड़ दे, असली हीरो होता है, असली हीरो वो होता है बात नहीं चलता, जो बात नहीं करता दिखाता है, वो तो करके दिखाता है। ए तेरे तो बुला लिया था। हेलो अंकल, इतनी जल्दी में क्यों लग रहे हो, कहाँ जा रहे हो? बाथरूम को। आपके घर में नहीं है क्या? कमीना कहीं का। हेलो, आपसे ही पूछ रहा हूँ। क्या यार ये अच्छा खासा काम पे जा रहे थे, अब शगुन पैदा कर दिया। ए अंदर ना, उसको लावले दल देने डाले। ए तू रुक, जरा इसे पूछताछ कर लेते हैं। ए छोड़ो। क्यों रे बेटे, उस दिन होटल में तूने एटीएम चोरी किया और कहता है कि एटीएम बाहर गिर गया था। उस दिन हम होली खेलने आए थे तो आंखों में मिर्ची पाउडर डाल दी हमारे। छोटा बच्चा समझ के छोड़ रहे हैं तो तू हमें तकलीफ दे रहा है क्या? तो मैं तो बताता हूँ। इसने कहा कि मंदिर जाओगे तो फ्री में लड्डू मिलेगा, इसीलिए जाकर आ गया। प्रसाद खाने के लिए भी किस्मत होनी चाहिए। सारे लोग थे। ये लीजिए प्रसाद खाइए। नमस्कार सर। आओ बेटा आओ, काम का क्या हुआ? वही सर, एप्लीकेशन डाल रहा हूँ फॉर्म भरने के लिए, टीचर से मिलने आया हूँ सर। इसमें क्या बड़ी बात है, मुझे तो मैं भर दूंगा। जो भी हो लेकिन टीचर तो है ना सर। यू आर राइट, अच्छे काम के लिए जा रहे हो, प्रसाद ले लो। हाय अंजलि। ओ हाय, आज अकेले आ गए? आपसे थोड़ी बात करनी थी। बोलिए ना। नहीं नहीं, मुझे कुछ कहना था। बोलिए। नहीं नहीं, मुझे आपको कुछ समझाना था। ओहो तो समझाइए। आपको कुछ देना था। क्या है वो? वो ये लीजिए। ए अंजलि अंजलि प्लीज अभी मत पढ़ना, मेरे जाने के बाद आराम से पढ़ना। ओके मैं चलता हूँ। बाय 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 अंजलि। चिंगारी कोई भड़के। ए, मुझे छोड़ के दारू पीने का मन कैसे हो गया तुम्हारा है? क्यों इस फीलिंग में हो तुम लोग? मेरा प्यार सक्सेस हो गया इसलिए फीलिंग आई क्या? डोंट वरी डोंट वरी, एक गुड न्यूज है तुम लोगों के लिए। जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे एवरी डे दारू की पार्टी मेरी तरफ से। क्या बात है, पागल की बात चलता है। ये क्या है? तुम्हारा प्यारा परशुराम। ए, ये लेटर तो मैंने अंजलि को दिया था, यहाँ कैसे आया? तूने उसे लेटर दिया होगा तब ना। फिर उसे जो लेटर दिया वो किसका है? तेरा लेटर बदल गया था, वो तो सिर्फ खाली 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 था। हाफ टिकट तू है क्या? अभी अभी आप अकेले प्रसाद लेकर गए थे ना, इसीलिए आपके दोस्तों को देने के लिए यहाँ आया हूँ मैं। मैं नहीं दे रहा, ये देने वाले हैं। कौन है वो? अरे मैं हूँ मेरे भाई। आइए सर आइए सर, मैं यहाँ प्रसाद देने के लिए आया हूँ भाई। दीजिए सर। कहाँ गए तुम्हारे दोस्त बताओ? दोस्त? यहाँ कौन से दोस्त है सर? कौन से दोस्त? तुम्हें बताता हूँ बताता हूँ। सर 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 सर, ये तो यहीं पे आ रहा है सर। यार ए मंजुनाथ उठ जाओ। अंकल मैं जिस काम के लिए आया था वो तो हो गया अंकल, प्रसाद मिला ना, कैसा लगा बताना जरूर। अरे मैंने तो एक आदमी को रहने के लिए दिया था, यहाँ तो चार चार लोग आकर रह रहे हैं। तुम लोगों ने मेरे कंडीशंस और रूल्स को तोड़ा है, अब यहाँ पर एक मिनट भी कोई नहीं रहेगा, सबके सब मेरे घर से निकल जाओ। अतल एक दो तीन, एक के ऊपर 50 रुपया ले लो, इतना दे दो। अरे कोई बताएगा ये क्या बोल रहा है? अरे वो एक सिर के लिए 50 रुपया एक्स्ट्रा देंगे, रहने के लिए प्लीज दे देना, रिक्वेस्ट कर रहा है। सॉरी सॉरी
अरे ये क्या कोई लॉज है जो एक्स्ट्रा पैसे देकर मैं बेड डाल दूंगा? अरे रे रे रे, कोई दूसरा घर मिल जाएगा तो हम यहाँ से निकल जाएंगे, कुछ दिन हमें यहाँ रहने दीजिए। अरे ये सब मुझसे नहीं होगा, सबके सब अभी निकल जाओ। अरे सर क्यों फालतू में गुस्सा कर रहे हैं, वैसे भी आप हमें घर से बाहर निकालने वाले हैं, जो क्वार्टर बची है उसे पी के आराम से चले जाएंगे। वो सब मुझे कुछ नहीं पता, अभी के अभी तुम लोग मेरा घर खाली करो नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा और तुम लोगों को लात मार के जू में डलवा दूंगा। लोकल ब्रांड है क्या? ब्रांड जरूर लोकल है पर बैकग्राउंड पावरफुल है, होशियार हो जाइए। डरा रहे हो क्या? एक समय मैं भी बहुत ज्यादा पीता था। बुलाऊं क्या अपने दोस्तों को? एक मिस्ड कॉल दूंगा और उसके बाद चिंग चिंग, समझ गए? सॉरी सॉरी, हम लोग चले जाएंगे, हम यहाँ घर बसाने थोड़े ना है। अरे वो तो ठीक है, लेकिन जाने से पहले इस महीने का भाड़ा दो और जाओ। ये तीनों बंदर आपको चाहिए थे, आपने बोला था ना, तो रख लीजिए, हम निकलते हैं। एक बात तू सुन ले, आज से हम लोग तेरे दोस्त बिल्कुल नहीं है। हमको यहाँ से तू भगाएगा क्या? अगर तुझे भी यहाँ से नहीं भगाया तो मेरा नाम, मेरा नाम, मेरा नाम, मेरा नाम, अरे छोड़ना यार, क्या है वो? मैं बताता हूँ, इटला, इटला नहीं है मेरा नाम। पूरे इलाके में हमारा इतना पावर है, हम तालो ले इस बार तान लिया ना, तो ये दल नहीं तोलेंगे, नहीं तोलेंगे, नहीं तोलेंगे, नहीं तोलेंगे। ए बबलू भाई पीछे आ जा। ओके, जब तक इस घर को खाली नहीं करवा देंगे हम लोग चैन से नहीं सोने वाले। ये दोस्तों का वादा है। बेटा स्नेहित को यहाँ से निकालने पर तुम लोगों को 1,00,000 रुपए दूंगा। उसे यहाँ से ले जाकर कहीं दूर छोड़ाना। हाँ बच्चों, इसे कहीं दूर छोड़कर आना, इस तकलीफ से हमें बचा लेना। तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ मैं। इधर इधर कर क्या रहे? अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या फैसला लिया तुमने? थोड़ा 5 मिनट का टाइम दो, हम बताते हैं। ये किडनैप करने वाले घर का स्केच है, उसे अगर हमें उठाना होगा तो हमें प्लानिंग बहुत करनी होगी। दादा और दादी यहाँ पर सोते रहते हैं, ऊपर 2 रूम है, उसमें से एक में तुम्हारी भाभी सोई रहेगी, कोई भी उसमें मत जाना। ओके? अरे भाभी मतलब तेरी बहन हुई ना? नहीं ठीक। अरे सुनना, तू आगे बता। सीधा रूम में जाकर प्लान के मुताबिक उसको वहीं पर बेहोश करके उसे बांधेंगे और उठाकर यहाँ पर लेके आएंगे। कैसा लगा प्लान? सुपर है यार, सुपर है। अगर ऐसे प्लान करके हम लोग किडनैपिंग करेंगे ना तो एक ना एक दिन जेल में पहुंच जाएंगे। तो चुपचाप कुत्ते को बिस्किट खिला, चल जा। तू जाकर वायर, लाइट, डिश वायर सब कुछ डिस्कनेक्ट कर दे और तू जाके देख कि दादा ने पीछे का दरवाजा खोला है कि नहीं। चलो 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 जल्दी। ये एक बार उसको सुंघा दिया तो उसके बाद तो उठना ही नहीं चाहिए। अरे बहुत बहुत थैंक्स भाई, तुमने अपना प्रॉमिस पूरा किया, आखिरकार बच्चे का किडनैप कर ही लिया। पर ये बात सिर्फ अपने तक ही रहने देना, किसी को बताना मत। ओके रखता हूँ। अरे भाई उतो किडनैप कर लिया, स्नेहित किडनैप हो गया, क्या बात कर रहा है? ये किसने बात? दादा ने फोन किया था। अंकल ने फोन किया था। तुम लोग तो मुझे तले दे, किडनैप कर लिया। मुझे छोड़कर हम लोगों ने किडनैप किया? एक मारूंगा मुंह पर। रात को तूने क्या किया? उसके बाद किसी को कुछ नहीं पता। क्या किया? वो सब तो ठीक है, रात में हुआ क्या था? वन सेकंड, ताता आधे दोनों दोलो पन। ओ मतलब आगे पीछे का खोल के सो गए क्या? तब तो ये बहुत ही इजीली हो जाएगा। तू एक मिनट। अरे बाप रे तातिया, अच्छी हुआ, जल्दी हो जाए, लाला फोन देता हूँ। नहीं नहीं, अरे मुझे नहीं, तेरी तो अरे इसे क्या हुआ, ये नीचे क्यों सोया है, क्या हुआ इसे? विद्या आती आती तला था वो आई थी, ये चली तो इतकी नहीं ले विद्या, तो आती आती वाला था, मैंने उसे तल दिया था, पोल दी था, पता तू तो दिया। तुझे तब ये दोनों ऐसे क्यों हुए, क्या हो गया, प्लान कैंसिल हो गया क्या? ए, पता पता नहीं था, था दिल दे ए दोनों ए तीतन ताते आया है तो तुपले तुपले पोच देता हूँ, पोच देता हूँ। हाँ तो था ठीक है, ऐतलु माउंट मुन पे अले ले तो दिया, ये तो यार मैंने ये लुमाल तुम्हारे नाक पे लता आते आते करते तुम्हारा पोत दिया तो आ, 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 आ।
अभी तो वो चला गया दिखेगा। स्नेहित बुला ला तल। स्नेहित अंकल, स्नेहित को देखा, कब से ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ है। अरे तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो बेटी, यहीं पर कहीं खेल रहा होगा वो। नहीं अंकल, मुझे बताए बिना कहीं नहीं जाता, शायद बाहर खेल रहा होगा, मैं देख कर आती हूँ। ठीक है ठीक है, जाओ ढूंढो उसे। अबे क्या यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या करे यार, उसने फोन किया था। बंडी का फोन आया, क्या बोलेंगे अभी उसको। ए, उसे फोन कर और सुन कि वो क्या बोलता है, चल। करेक्ट, चल। हेलो, हाँ भाई। अले ले 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 ले, ये देखो भाई का नया गेटअप, जरा देखो तो। ये गेटअप नहीं है यार, उस लड़के का किया हुआ सेटअप। कौन है भाई, कौन है वो जिसने यहाँ पर हाथ उठाया, उसका सर पत्थर से फोड़ दूंगा, कौन है बोलो। मैं जब बोल रहा था उठा लूं तो तुम लोग बोल रहे थे खेलने वाला बच्चा है, अभी उसी ने वो किडनैप हो गया, ऐसा बोल रहे थे। वो यहाँ पर कैसे आ गया? वो किडनैप करने वाला मैं ही हूँ। क्या आपने? वो कुछ बोलना चाहता था सुनने के लिए, जब मैंने उसके मुँह से टेप हटाया तो उसने एक ही डायलॉग मारा यार। रुक जाओ, तुम सबको देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तुम सब मिलके इतने बड़े बड़े पत्थर को चूर करते हो, फिर ये काले बंडी को चूर करने में कितना टाइम लगेगा। ए बंडी हूँ मैं, बंडी। ए, 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 भाई वो लड़का कहाँ है? गोरिल्ला सेल। गोरिल्ला सेल भाई, उधर सब बच्चों का सांबर बना देते हैं ना। मेरा कचूमर निकाल दिया उसने, अगर उसकी हड्डी पसलियां नहीं तोड़ी तो मेरा डर बचेगा क्या किसी से। आयो, हेलो, मैं अंजलि बोल रही हूँ। हेलो, हेलो, अरे कौन है? अंजलि, अंजलि कौन है? हेलो, अंजलि, अंजलि का है, मैं अंजलि बोल रही हूँ। हेलो, आपसे कुछ अर्जेंट बात करनी थी, कहाँ मिल सकते हैं? कॉफी शॉप। अंजलि, 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 मेरी प्यारी अंजलि। एक मिनट, आती हूँ। ले पुत्र, मिल गया। अरे बोले अंजलि। ए जी, की गल है? देखिए जी, ये गुंडा मुझे मार रहा है। ओ तेरी इतनी हिम्मत, मैं तेनु नहीं छोड़ूंगा। ओए ओए, मार पत्थर, मार 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 मार। फोन क्यों किया था? स्नेहित सुबह से दिखाई नहीं दे रहा। स्नेहित किडनैप हो गया क्या? ए, कुछ भी बोल रहा है तू, आपने उसे ढूंढा क्या? हाँ, मैंने सब जगह ढूंढा, उसके फ्रेंड्स को फोन भी किया, लेकिन स्नेहित का कोई पता नहीं चला। स्नेहित कहाँ है वो मुझे पता है। पता है? कहाँ है वो? अरे छोटे बच्चे कहाँ रहते हैं? पार्क में होगा, ग्राउंड में होगा, कहीं खेल रहा होगा। अंजलि, आप टेंशन मत लो, कहीं पर भी हो मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा, आप आराम से घर पर बैठिए, मैं हूँ ना यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच। अबे नेक्स्ट गोइंग टू गोरिल्ला सेल। मम्मी के पास जाना है, जाने दो ना भैया। अंकल, अंकल जाने दो ना, बहुत भूख लगी। भाई इसका बहुत हो गया, कलेक्शन का पैसा ही नहीं देता। क्या बेटा, तूने क्या किया उसका? बहुत भूख लगी थी भाई, इसलिए एक बन लेकर खा लिया। बन बटर, इसे सब कुछ दो, आ जा सोना मैं देता हूँ। मम्मी बन खाएगा क्या बे? इसे उठा कर ले जाओ और इसका हाथ काट के फेंक दे। इसे जल्दी यहाँ से भेज और तू जाके कलेक्शन देख। ठीक है भाई। इन सबको छोटा पेटी बड़े कलेक्शन के लिए भेज। ठीक है भाई। और इन सबको स्लीपर सिग्नल के पास फेंक देना। भाई वहाँ कड़क पुलिस वाला है। कौन है बेबो? उसके बच्चे स्कूल जाते या नहीं पूछ लेना, चुप हो जाएगा। ठीक है भाई। किसको चाहिए ये दुनिया, भगवान ने बनाई ये दुनिया। किसको चाहिए? कौन है भैया बड़े बच्चे? भाई ये बोले बंडी के आदमी, इसीलिए अंदर आने दिया। अंकल
क्या चाहिए रे तुझे? बंडी सर ने सुबह ऐसा बोला कि हमारे बच्चों को इधर छोड़ के गए हैं, तो उन्हें हम लेने आए हैं। सुबह छोड़कर शाम को लेने आए हो, ये स्कूल समझा क्या बे? ये गोरिल्ला का सेल है। वो सब ठीक है, लड़का कहाँ है सर? इधर कहीं होगा, देख ले। अरे वही है, वही है, वो देख, वो देख, वाह वाह, वही है, वो 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 सर। अंकल सर आपका चार्ज कितना है आप हमें बता दोगे तो? चार्ज तुम लोगों से ज्यादा क्या लेना, मैं भी ज्यादा नहीं मांगूंगा, सिर्फ 10 लाख रुपए दे दो। 10 लाख? 10 लाख? आँख और किडनी बेचेंगे तो इससे ज्यादा मिलेगा बे। पैसा नहीं देंगे तो क्या कर लोगे? मैं कुछ करूंगा नहीं, बस तेरे बच्चे को छोड़ूंगा नहीं। अगर तूने बच्चों को नहीं छोड़ा ना तो हम पुलिस को फोन करेंगे। किसी को फोन करना है कर, ये ले आउट गोइंग फ्री है, जितनी बात करनी है कर ले, सब फ्री है। कल सुबह 10 लाख रुपए लेकर आ जा तो बच्चा मिल जाएगा, वरना सीधा दुबई, समझ गया क्या? सर सर ये ऐसा कुछ मत करना सर, बेचारा छोटा सा बच्चा है सर। नहीं तू डरना मत, हम कल फिर आएंगे, तब तक तू वो रखना। हाँ वो ए, क्या रखना बे? वही भाई, वो सब लोग यहाँ पर रखे होते हैं ना। पेन क्या? पेन नहीं भाई, पेन नहीं, वो मिलिट्री वाले जो रखते हैं ना। गन क्या? गन नहीं भाई, गन पकड़ने के लिए तो वो लगता है ना, आपके पास भी तो रहेगा ना। वो क्या है, मैं पता करके एक मिनट बताता हूँ। नालाकों का बहुत हो गया, लात मार के बाहर करी ना। क्या 20 लाख रुपए देने हैं? हमारी बात हुई थी 1 लाख की, 50,000 एडवांस दे चुका हूँ और 50,000 ये रहे। देखो 10 लाख रुपए दोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर सोच लीजिए। नहीं देंगे तो क्या कर लोगे? बंडे बंडी आ जाएगा। बंडी हो या फिर बैंगन हो, उसके लिए मेरा सूर्या ही काफी होगा। सूर्या आए चाहे सूर्या नहीं आए, हम तो बंदरों जैसी हरकत मत करो। मैं जो कह रहा हूँ उसे सुनो, लगता है मुझे बुलाना ही पड़ेगा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट एसीपी सूर्या को। ऐसे लो तो नहीं डरता, वो तुम्हारे छोटे भाई और बड़े भाई का बेटा है। या भले भाई तो बेटा है, तो भी आने दो ना। वो कोई ऐसा वैसा नहीं है, हमारा बेटा है वो। हेलो, अब क्या हुआ? एसीपी है मेरा बेटा। इनका बेटा एसीपी है, अभी तक बताया नहीं था। वो क्या कोई एलआईसी एजेंट है कि जो भी आए उसे बताता फिरेगा? हमको कुछ नहीं करेगा, तू चुपचाप रह। ये बात अगर उसको पता चल गई तो पहला एनकाउंटर हमारा नहीं बल्कि इनका होगा। हमारा? हाँ, आपी का। लगता है इनका दिमाग खराब हो गया है। दिमाग हमारा खराब नहीं हुआ है, आपका नसीब खराब है। तुम्हारे पोते को किडनैप करने के लिए तुम खुद डील कर रहे हो, ऐसे दादा दादी मैंने कभी नहीं देखे। वो हमारा पोता नहीं है, गले पड़ी हुई मुसीबत है। ये लो 50,000 रुपए हैं, बाकी पैसे काम होने के बाद दूंगा। ए सुन मेरी बात, बचे हुए पैसे काम होने के बाद मैं दूंगा। तुम्हारा चौथा साथी कहाँ है? कुत्ते नहीं होंगे पूरे 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए? यार ये 20 लाख क्यों बोल रहे? 10 हमें, 10 उससे, समझा? अरे इतने पैसे तो हमारे पास नहीं है। घर में है गोल्ड तो फिर चिंता क्यों करने का? घर में है गोल्ड नहीं बेचूंगी, यार फेवरेट गहने हैं। पर हमारे पास इतने रुपए कहाँ हैं? मैं दूंगी पैसे, मैं दूंगी। स्नेहित कहाँ है? स्नेहित को किसी ने किडनैप कर लिया है। किडनैप? किसने किया है? किसने किया ये हमें पता नहीं, लेकिन फोन आया था, बोले कि 20 लाख रुपए देंगे तभी उसे छोड़ेंगे। ओके डैडी, मैं बोल रही हूँ। हाँ बोल बेटी, क्या बात है? मुझे अर्जेंटली 20 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, मिल जाएंगे, लेकिन ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी? मुझे जो पसंद है वो बहुत तकलीफ में है, उनके लिए ही चाहिए। ठीक है बेटी, भिजवा देता हूँ। थैंक यू डैडी, थैंक यू। हमारा लड़का नहीं दिख रहा है, जरूर उसी ने कुछ किया होगा। जैसे उधर बंडी को मरवाया, लगता है इधर गोरिल्ला को भगा दिया। ए लगता है कोई गाना गा रहा है यहाँ। ए वो देखो, अरे क्या हो गया इनको? अरे भाई सर, क्या हुआ? क्या हुआ? अरे क्या हुआ आपको? सुनिए हम पैसे लेकर आए हैं, बच्चों को छोड़ दीजिए प्लीज। कहाँ के पैसे लेके आए? बच्चों को छोड़ दो। हार्बर? क्या भाई? अरे भाई, अरे आगे का बता दो, आगे का बता के मरो, बोलो। टूटा नसीब। मंगलूर हार्बर, तेरे पल्ले में कुछ पड़ रहा है क्या? नहीं यार,
वो गोरिल्ला ने जो बोला था उसमें कुछ ना कुछ कोड वर्ड रहेगा ऐसा मुझे लग रहा है। मुझे समझ में आ गया। हाँ क्या समझ में आया? मतलब ये छोटे बच्चे और लड़कियों को छुपाकर दुबई में बेचने वाला बहुत बड़ा गैंग है ऐसा मैंने पेपर में पढ़ा था। करेक्ट, मैंने टीवी में, मैंने रेडियो में सुना था। मैंने भी देखा था। हाँ, इस गोरिल्ला ने स्नेहित को उसी गैंग वालों के पास बेच दिया होगा। फिर उसको क्यों मारा उन लोगों ने? डीलिंग में कुछ बहस हुई होगी इसलिए शायद मारा होगा उसे। हम भी बेंगलुरु हार्बर में जाएंगे स्नेहित को बचाने के लिए। और एक बात है, ओके, स्नेहित बेंगलुरु में शिफ्ट हो गया है, इस बात की खबर अंजलि को नहीं लगनी चाहिए। तले, तले, अगर पता चल गया तो तुम तो जानती हो ना, वो लड़की जाता है बेंगलुरु हार्बर। अंजलि, अंजलि आप कुछ भी टेंशन मत लेना, मैं अपनी जान जोखिम में डालकर स्नेहित को बचा कर ही रहूंगा। अगर इसे नहीं भी हुआ तो मैं अपनी जान पर खेलकर स्नेहित को बचा के लेकर आऊंगा। मैं उसके साथ सनी देओल की तरह फाइट करके उसकी हड्डी पसली तोड़ के तुम्हारे लिए स्नेहित को लेके आऊंगा। अंजलि, अंजलि मैं आतंकवादी था, फाइट करके किसी भी तरह स्नेहित को लेते आऊंगा, नहीं तो मौत कटवा दूंगा। हम सबसे झूठ बोल के अंजलि को फोन करके बिल्डअप दे रहा था। मुझे ये आया है, सुंदर गुंगे मार इसको। गिरिजा, मेरे मन में एक डाउट है, कहीं पैसों के लालच में इन्हीं चारों ने मिलकर तो उसका किडनैप नहीं किया है? बिल्कुल सही बोला आपने। स्नेहित को कैसे किडनैप करना है इसके लिए वो लोग प्लानिंग कर रहे थे, इसीलिए मैंने उन्हें लात मार के भगा दिया। आपने उन लोगों को घर से निकाल दिया? अरे थूक के निकाल दिया। अब तुझे पता चल गया ना वो लोग कैसे हैं? हाँ। किस पर भरोसा करूं, किस पर ना करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे आप लोग इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, चुपचाप पुलिस में कंप्लेन करो, फिर पुलिस उन्हें ढूंढ कर ले आएगी। हमने अगर पुलिस में कंप्लेन किया और अगर ये बात किडनैपर को पता चल गई तो हमारे स्नेहित के साथ कुछ उल्टा सीधा हो सकता है। तुम जाओ यहाँ से, बकवास बंद करो। आपके बेटे को फोन करके बता दूं क्या? अरे रे, नहीं बेटी नहीं, वो फालतू में टेंशन ले लेगा। तुम किसी भी हाल में उसे ये सब मत बताना, क्यों ना हम लोग बेंगलुरु जाके स्नेहित को ढूंढे। तू जा, जल्दी से तैयार हो जा, हम बेंगलुरु ही चलते हैं, जल्दी जा। एसीपी सूर्यप्रकाश जी हैं क्या? सूर्यप्रकाश अंदर बैठे हैं। हेलो, उपारपट्टी पुलिस स्टेशन, एक मिनट बुलाता हूँ सर। सर आपका फोन है। हेलो, क्या मेरे बेटे का किडनैप? नो चांस। अच्छा, वन मिनट। हेलो, मैं तेरा पति बोल रहा हूँ, एसआई सूर्यप्रकाश बात कर रहा हूँ। बेटा स्कूल से आया क्या? क्या नहीं आया? ए, चल फोन रख। जस्ट डू व्हाट आई से। मेरे बेटे को छोड़ने के लिए क्या चाहिए तुम्हें? कॉफी चाहिए या चाय? क्या नहीं समझा? कॉफी मतलब करेंसी, चाय मतलब पार्टी। पार्टी चाहिए? ओके, लोकेशन बताओ। बेंगलुरु। ओके, डन। लिफ्ट 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 मैडम, हमें जरा लिफ्ट दो। लिफ्ट चाहिए? ये लिफ्ट की दुकान नहीं है मैडम, कुछ दूर के लिए लिफ्ट दे दीजिए ना सर। सर प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज सर, लिफ्ट सर प्लीज। नमस्कार सर, पहचाना नहीं क्या सर? मैं सर, अभी पहचाना? अभी नहीं सर, नहीं नहीं अभी। अरे नहीं पहचाना है सर, इतनी जल्दी भूल गया क्या सर? पवन बार एंड रेस्टोरेंट, इधर आ हरीश, इधर आ हरीश। मैं वही हरीश हूँ सर। यस सर। हरीश यार, पहले देसी दारू की तरह था, अभी पूरा विस्की की तरह लग रहा है, कैसे हो गया यार ये सब? अभी मैं ड्राइवर नहीं हूँ सर। तो फिर ऑनर, और ये मेरी पत्नी, ये कार वार, ये जायदाद, ये वाइफ, ये सब आपकी वजह से है सर। और अभी हम लोग हनीमून पे जा रहे हैं। कोई प्रॉब्लम है क्या सर? अगर आपको कहीं जाना है तो ड्रॉप करके जाऊंगा सर। हमें मैंगलुरु जाना है, छोड़ देगा? मैंगलुरु क्या, आप मलेशिया बोलेंगे तो भी चलूंगा। चलिए सर। अरे ये ड्रॉप करेगा बोल रहा है? अरे अच्छा कार मिल गई, चलो 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 यहां से। चलो चलो, मैं नहीं जाऊंगा, तुमको जाना तो जाओ। अरे क्या हो गया तुझे? क्या हो गया पूछ रहा है? अरे ड्राइवर के काम के लिए गया होता, इसके पास जो जायदाद है वो मेरी होती, बंगला मेरा होता, कार मेरी होती। इतना ही नहीं, इसकी बीवी भी तेरी बीवी हो जाती है। करेक्ट। जो मुझे मिलना चाहिए था वो कार, लाइफ, वाइफ, इसे मिल गई। वजह क्या है पता है? ये दोनों यार क्या कर रहे हो यार? तुम लोग आखिर कब सुधरोगे? तुम्हारे पीने के नशे के चक्कर में इसकी पूरी जिंदगी खराब हो गई है। ए, उस दिन तूने नहीं पिया क्या? गतागत पिया नहीं था क्या? ये वो ड्राइवर नहीं बना, उस फीलिंग में मैंने पी लिया था यार। कैसा फील बे? ए तुपला, हम ओली दिला ले, तू माले तक तीन तले जाता, हम समझते हैं ताली बात। क्या बे,
इतनी देर से तू गाली दे रहा है और सोच रहा हम समझेंगे नहीं क्या? हम पे हाथ उठाएगा क्या तू? तेरे पास अगर वो है तो इस पे हाथ उठा के दिखा, चल। अरे वही यार जो हर ऑटो में रहता है ना, शंकर भाई की फोटो। अरे वो नहीं यार, नाइट हुआ तो 1.5 लेते ना। अरे मीटर इसीलिए तेरे बाप ने कहा था कि इनके चक्कर में मत पड़ना, ये तेरा ठेंगा बना देंगे। हाँ ठेंगा बना देंगे, बंगार अपने तुझे भी मिला के सुना पड़ता। ये तेरे बाप का नाम लेकर बुला रहा यार, देख तुझे कितनी हिम्मत हो गई है। तेरी इतनी हिम्मत मेरे डैडी का नाम लेकर बुलाता है? तो वो नाम तो उस काली ने रखा है ना। पता है हाँ, तो और क्या, छोड़ दे मुझे। क्या है ये, किस तरह के दोस्त पाल रखे हैं? अरे ये हमारे कस्टमर्स हैं। चलिए ना, हम अपने हनीमून पे चलते हैं। अबे क्या है, बड़ा आया। चल तू निकल यहाँ से। अरे चल दे, लिफ्ट तो दे, जाने दे उनको, जाने दे। अरे कमीनो, तुम्हारी वजह से ये अच्छी कार चली गई। अरे जाने दे यार उसे, हमें जो पैसा चाहिए वो हमें मिलेगा तब हम यहाँ से जाएंगे। कौन सा पैसा? अंजलि ने जो 20 लाख रुपए दिए हैं उनमें से मेरा और इसका हिस्सा निकाल के रख दे, समझा? पैसे निकाल। वो स्नेहित को लाने के लिए दिया हुआ पैसा है, जिसे पैसा देना था वो चल बसा। ये कितना पैसा है निकाल। पैसे के मामले में कोई समझौता नहीं, ले पकड़। सुन, अब से तुम दोनों अपने रास्ते पे, हम दोनों अपने रास्ते पे। अरे कमीनो नालायक, कब से फोन कर रहा हूँ, उठा क्यों नहीं रहे हो? भाई वो जो विजय है ना, गुंगे को अपने साथ ले जाके आपकी लवर के साथ शादी करने का प्लान बना रहा है भाई। ठीक से सुन ले, बेंगलोर मेरा है, यहाँ शादी तो क्या, एक छोटी सी काम के लिए भी मुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी, समझा? इधर आपका परमिशन नहीं मिलेगा, इसीलिए बड़ी चालाकी से मैंगलोर से दुबई जा करके वहाँ इन लोगों ने शादी करने का प्लान बनाया है। अभी वो कमीना कहाँ पे है ये बता रहे? अभी वो लोग मैंगलोर के गोल्डन रेस्टोरेंट में एक ही कोल्ड ड्रिंक में पाइप डाल के मस्त पी रहे हैं भाई। आऊंगा, मसान मसान बना दूंगा उसे। भाई ये अभी इनको मजा चखाते हैं। सही बात है भाई। कमीनो अभी तुम्हारी वाट लगाता हूं। हेलो, ए किधर हो तुम लोग? 10 लाख रुपए दे नहीं सकते, इसने भाई के पास भेजा था। क्या किया तुमने उसके साथ? अरे क्या बात कर रही है, हम लोग तो 10 लाख रुपए देने के लिए आए थे मैडम, लेकिन उस बंडी अप्पा का बेटा कमीना हम सबको पागल करके मैंगलुरु चला गया और उधर से दुबई जाएगा ऐसा बोल रहा है, और फिर वो उधर ही सेटल हो जाएगा। अभी वो कहाँ पर है बता? अभी के अभी अगर आप भाग कर आए तो रोड पर रहने वाले गोल्डन रेस्टोरेंट में मिलेंगे मैडम। उसे वहीं रुकने के लिए कहना, मैं अभी के अभी आ रही हूँ। उन कमीनो को उठा के ले गया। चलो, मिले क्या वो लोग? भाई उधर नहीं मिला भाई। यही है, वही बताया था ना फोन पे, फोन करो उसे। भाई नॉट रीचेबल है। कमीने मेरी सेटिंग करवाते करवाते खुद की सेटिंग करके शादी करने चले हैं। मेरी लवर से शादी करने का सपना देखने वाले को चूर कर दूंगा मैं, समझा क्या उसे? गाड़ी निकाल रहे, चल बोलो कहाँ जाके देखो तो। हाँ चलो चलो जल्दी जाओ। चलो क्या हुआ, मेरे नहीं क्या बोल? अरे नहीं दीदी, वो तो वहाँ से भाग गए। किधर भाग गए वो लोग, हाके लेकर आना चाहिए था। अरे रे 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 रे, मैंने पहले ही कहा था तुम्हारी मैडम को, वो बहुत ही कमीने लुच्चे लोग हैं, तुम अगर ऊपर जाओगे तो वो नीचे से निकल जाएंगे, ऐसे शातिर चोर है वो। अरे उन्होंने मुझे कितनी बार बेवकूफ बनाया। तेरा बेटा और तेरे बेटे के दोस्त लोग मुझे धोखा देकर चले गए, इसलिए तुझे मेरा हाथ पकड़ना होगा, तभी तो तुझे उठाकर लाए हैं। मतलब तुझे मुझसे शादी करनी होगी। शादी? बुढ़िया का दिमाग खराब हो गया है। साइड हट। शादी ये क्या है मैडम, आप क्या बोल रही है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है जैसे बुखार कुत्ते को है और इलाज बिल्ली का हो रहा है। ये सब गलत है मैडम, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं शादी वादी नहीं करूंगा, घर जा रहा हूँ। जब तक तेरा बेटा 10 लाख नहीं देता तुझे मेरे साथ रहना होगा। ए, देख क्या रहा है, पकड़ के डाल इसको अंदर। छोड़ो मुझे। अरे छोड़ो मम्मी, थोड़ा प्यार से यार। अरे छोड़ो, अरे रुको 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 रुको। अब मैंगलुरु तक ड्रॉप कर दोगे? बाबा 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 बाबा। सर हम लोग बहुत ही तकलीफ में, प्लीज सर बहुत अर्जेंट है। बाबा बाबा। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपके पैर पकड़ता हूँ, हमें प्लीज मैंगलुरु तक ड्रॉप कर दीजिए। कितनी देर से इशारा कर रहा हूँ बाबा बाबा बोलो, तुम्हारी समझ में नहीं आता क्या? ओह आपने इस तरीके से बाबा बोला क्या, हमें तो वो बाबा दिखाई दिए। और क्या, मैं ही तो हूँ वो बाबा। आओ आओ अंदर आ जाओ बाबा। थैंक यू। लो पकड़ो इसे, भजन शुरू करो। सर क्या हुआ, आपको हमने पहले कहीं देखा है? मुझे देखा है? हाँ, आपका नाम? साई कृष्णा। मंडोली के हो ना? नहीं, बेंगलुरु का हूँ।
अगर बाबा का भक्त है तो रोक सकते हो। अरे ड्राइवर गाड़ी मत रोकना। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। अरे बाबा वो कोई भक्त नहीं है, वो ट्रिपल एक्स के भक्त है। ट्रिपल एक्स कौन से स्वामी जी है? ये शुक्लानंद स्वामी जी के भक्त है। रोकने की जरूरत नहीं है, सीधा आगे बढ़ाओ। टंका नका बस के अंदर है इनकी तो। आओ 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 बाबा। चला किसे फोन कर रहा है यार? हेलो पुलिस कंट्रोल रूम। हा? जो बस मैंगलोर की तरफ आ रही है उसमें स्मगलिंग का पैसा जा रहा है। K04MH7979। ओम साईरा। आपको मंगलूर का हार्बर पता है क्या? हार्बर पता है। तुम्हें बाबा पता है क्या? हाँ पता है, तीन बार देखा है। कहाँ? फुटकोसी में क्या? नहीं नहीं, नटराज थिएटर में। नटराज थिएटर में? वहाँ कौन सा बाबा है? डिंग डॉंग डिंग डांग बाबा। बाबा बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, अब बैठकर भजन करो। एक सूखा हुआ बनमास का दो। क्या बोल जी? वो बच्चा स्कूल से। ए, बच्चे को लेने के लिए बेंगलुरु जा रहा हूँ मैं। अरे सुनिए, वैसा नहीं है, बच्चे को स्कूल। ए, 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 तू जाकर बर्तन धो। बच्चे को कैसे लाना है मुझे अच्छी तरह पता है, मैं लेकर आऊंगा। डू व्हाट आई से। बेंगलुरु हाईवे पर अच्छा खाना खाना हो तो सुरभि होटल आना चाहिए। पूरियां कैसी होनी चाहिए पता है? जब एक थप्पड़ मारते हैं तो जिस तरीके से चेहरा सूजता है इस पूरी की तरह, वैसे ही होनी चाहिए। अब जरा गौर से देखिए, मेरे चेहरे और इस पूरी में जरा सा भी अंतर नहीं है। ऑल राउंड क्या बात है। हमारे साथ खाना खाइए, अब ये कार्यक्रम खत्म होता है। मैं कल शाम को ठीक इसी समय किसी और होटल के लजीज खाने का टेस्ट मैं आपको बताऊंगा। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। भाई तुम लोगों ने मेरा प्रोग्राम शूट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी इतनी दूर तक लिफ्ट दी, क्या हम आपके लिए इतना भी नहीं कर सकते? सर हमने आपका फूड प्रोग्राम टीवी पर देखा था, सुपर था। मुझे एक बात बताओ, अपने पेट की कसम खा के आपने जो अभी खाया वो सही में अच्छा था क्या? देखो भाई, सच नहीं बताना चाहिए क्योंकि वो कड़वा होता है, झूठ कह सकते हैं क्योंकि वो स्वीट होता है, इसीलिए मेरा नाम है सी और कई, स्वीट और कड़वा। अब आओ नाश्ता करते हैं और यहाँ से चलते हैं। सीधा बेंगलोर ही जाओगे? अरे नहीं नहीं नहीं, एक होटल में खाना खा के वहाँ से चले जाएंगे सीधा बेंगलुरु। ऐसे होनी चाहिए तंदूरी। आप भी आइए और खाइए, खा कर देखिए कभी इस चीज को, सुपर बनी है ये। खाओ 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 जल्दी। लड़का लड़की को पटाए या फिर लड़की लड़के को, केक की जरूरत तो हमेशा पड़ती ही है, तो मजे लीजिए केक का। कैसा रहा? सर बेंगलुरु। अभी एक होटल बचा है, खाना खाकर जाएंगे। देखो अगर संबंध ओके हो गया तो समुद्र के बगल में 30-40 डबल साइट है, घूमने फिरने के लिए एक बोट है, आपको ब्रोकर चार्ज दे दूंगा। अब रखू क्या भाई? पता नहीं इस गाड़ी को भी अचानक क्या हो गया। स्टॉप 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 प्लीज प्लीज स्टॉप। हमें अर्जेंटली बेंगलुरु जाना है, आप ड्रॉप कर देंगे प्लीज। अच्छा बेंगलुरु में किसके घर लड़की देखने जा रहे हैं? तन्नीर भाभी कृष्ण मूर्ति के घर पे। आहा, तन्नीर भाभी कृष्ण मूर्ति के यहाँ क्या? सर आप उन्हें जानते हैं क्या? जानना क्या है, हमने तो साथ में काम किया है, मेरा उसका चोली दामन का साथ था। ऐसा है क्या? तब तो आप मेरा भी काम कर रहे हैं। प्लीज प्लीज गाड़ी ध्यान से चलाओ, हाथ स्टीयरिंग पर रखो। मैडम 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 आप बात करेंगी ना प्लीज? मम्मी जी आप बात करेंगी ना प्लीज? छोड़ो गाड़ी चलाओ। अरे मैडम क्या कर रही हो? अरे हाथ हटाओ ना। बाबा बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा बाबा। ए तुम रुक जाओ, तुम बोलो। ये क्या है? मैंने कह दिया ना, अगर ये अभी बाबा नहीं बोलेगा ना तो बस से नीचे उतर जाओ। ये क्या गा रहे हो तुम? सब लोग तो बाबा बाबा कह रहे हैं और तुम आऊ 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 करके गा रहे हो, इसका क्या मतलब है? वो वैसा है सर। वैसा वैसा क्या क्या मतलब है? वो बोले तो वही सर। क्या ये नास्तिक है क्या? नहीं नास्तिक नहीं है सर। इसे मैं बात नहीं करता था बोल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसका मौन व्रत है क्या? नहीं व्रत भी कुछ नहीं है सर, इसको वही नहीं है सर। क्या
वही नहीं है। वही नहीं लेकिन वही इसको वो नहीं है सर, ये नहीं है। क्या कह रहे हो तुम, ये नहीं है वो नहीं है, कहके मेरा दिमाग गर्म मत करो। बाबा बोल के बोलेगा कि नहीं, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ इसे, ये गूंगा बनने का नाटक कर रहा है। गूंगा कहीं? वही वही सर, इसे बात करना नहीं आता, बेचारा बचपन से निशब्द है। अरे रे रे बेचारा, छे बात नहीं कर सकता बच्चा। तू एक काम कर, रोज 108 बार बाबा ऐसा करके भजन का, तू पक्का बात करने लग जाएगा, इस बात की गारंटी है मेरी। चाहे झगड़ा हो सास और बहू का, दोनों यही मजे लेते हैं इडली और डोसे का। यहाँ जाता है परोसा और एक होने का मिलता है भरोसा। क्या बात है, अगर आपने यहाँ पी टी तो भूल जाएंगे 90, इस बात की है मेरी गारंटी। झका क्या बात है, और लो और बेंगलुरु। अब सिर्फ एक ही होटल बचा है, वहाँ खाकर जाएंगे। ओ ऐसा है, आप इनके लिए लड़का देखने जा रहे हो? हाँ। मतलब ऑलरेडी इनकी शादी हो गई है? अभी तक तो नहीं। अगर इनको शादी करनी है तो अब... भाई भाई उधर देखो, भाभी जा रही है। अंजलि रुक जा, अंजलि अंजलि रुक जा, मेरी जान। अरे खड़ा मेरे को, मेरी शेर जैसी आवाज तुझे सुनाई नहीं दी क्या रे? हाईवे पे टेढ़ी मेढ़ी गाड़ी चला के मेरी गाड़ी के बीच में आता है तू इडियट, और मेरे से बहस करता है। बड़े भैया, छोटे भाई, छोटे भाई, बचपन में कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे, इतने दिनों तक कहाँ थे मेरे भाई? दीदी कहाँ है छोटे भाई? उसके बारे में मत पूछ भाई, तुम खो गए थे उस गम में, उसने आज तक शादी ही नहीं की। वो छोड़, तूने शादी की? भाई मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है भाई। क्या कहा, तुझे एक लड़की से प्यार हो गया? कौन है वो लड़की? भैया वो आपके पीछे ही खड़ी है। मेरे पीछे खड़ी है? आपसे है क्या? नहीं वो। अबे एक काले भैंसे, तू इस तरह अंजलि की तरफ हाथ दिखाकर क्या उल्टी सीधी बातें कर रहा है? ए, 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 कभी अपना चेहरा भी देखा है आईने में? प्यार की बात कर रहा है? एक मारूंगी ना तुझे, अपन ठिकाने आ जाएगी तेरी। आप गाड़ी में बैठ। अरे छोटे भाई वो लड़का बेंगलुरु हर्बर के पास है, ऐसा वो लोग बता रहे थे। हम लोग उस लड़के को ढूंढेंगे और उसे अपने पास रखेंगे, उसके बाद इन्हें इन्फॉर्म करेंगे और उस लड़के को इनके हवाले करके हाथ पैर जोड़कर इस लड़की से तुम्हारी शादी करवा देंगे, ठीक है? भैया मुझे गले लगाने का मन कर रहा है ना, चला जा। कितनी बदबू आ रही है तुझसे? वो प्यार में इतना खो गया था कि नहाना ही भूल गया। चल निकल। ए, क्या कर रहे हो तुम लोग, वो भाग रहा, जल्दी जाकर पकड़ो। ए, अरे अरे मेरा मेरा कहाँ जा रहा है? अरे मैं पीतल हूँ, पीतल, अरे पीतल भी नहीं हूँ, मुझे शुगर है। अरे तुझे भी हो जाएगा। मेरे चंगुल से निकल के भागने की सोच रहा था। ए, गाड़ी मंदिर की तरफ ले चल। क्या कहा, मंदिर की तरफ? क्यों? तुझसे शादी करने के लिए। अगर जबरन शादी करोगी तो मैं पूरे समाज को बोलकर तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगा। तो फिर मेरे 10 लाख रुपए दे। अरे बेटे से निकलवा के दूंगा ना। मेरे बेटे ने अगर पैसे नहीं दिए, अरे बाप रे, तो शादी करनी पड़ेगी। अरे मैं कर लूंगा, लेकिन तब तक तुम मुझे टच नहीं करोगी। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। अरे ये पुलिस है। ड्राइवर गाड़ी रोको, बाहर निकलो। पुलिस है? आप लोग हमारी बस को इस तरह बीच में क्यों रोक रहे हैं? प्रॉब्लम क्या है? देखिए आपकी इस बस के अंदर स्मगलिंग का पैसा जा रहा है, ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, इसलिए हमें बस की पूरी तलाशी लेनी होगी। प्लीज कोऑपरेट विद अस। हमारी बस में? जी। अबे उसमें डाल, उसमें यार, जाके चेक करो। इस बस में आपको प्रसाद के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। देखते हैं कि आखिर अंदर क्या क्या है, सब पता चल जाएगा। ये देखो, ये है आपका प्रसाद। हाँ ये कहाँ से मिला? ये तो प्रसाद नहीं, पैसा है। ये बाबा का चमत्कार होगा, ये प्रसाद मेरा है, मुझे दे दो जल्दी। तो भाई चलिए चलिए, अब आपको प्रसाद स्टेशन चलकर मिलेगा। चलिए मेरे साथ, बस को स्टेशन लेकर आओ। अरे तुझे प्रॉब्लम क्या है ये बोल। ए जी सुनिए ना, वो स्कूल के बच्चे। अरे वो मेरा ही बच्चा है ना। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ। फोन रख, मैं बच्चे
बच्चे को लेने जा रहा हूँ। तू फोन रख, तू जाके बर्तन धो। अगर मैं उधर आया ना तो तुझे शूट कर दूंगा। तू व्हाट आई से? उडुपी होटल में खाएंगे तो नहीं होगी किडनी और बॉडी हो जाएगी फिट। उसके बाद जो भी करेंगे वो होगा सुपर हिट। वाह वाह सुपर। कैमरा ऑफ कर दो। आजो भाई जल्दी से खाकर यहाँ से निकलते हैं। भाई अब सीधा बेंगलोर चले? अरे नहीं भाई, इसी हाईवे पर एक और बढ़िया होटल है, वहाँ पर खाएंगे फिर आगे निकल जाएंगे। ए, क्या यार ये आदमी या राक्षस? ए जरा पेट के ऊपर भी रहम कर, ऐसे कंटिन्यू खाता रहेगा तो कसम खा के कहता हूँ फट जाएगा तू। दरअसल मेरे पेट में डबल ग्राइंडर है, कुछ भी खा लू सब हजम होके बाहर निकल ही लेता है। देखिए सर, हमसे खड़ा भी नहीं होते जा रहा है। अगर हम ऐसे ही खाते रहेंगे तो हमारी पूरी बैंड बच जाएगी और सीधे हमें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। ये रहा आपका कैमरा, आपसे लिफ्ट लेकर हमने बहुत बड़ी गलती की। चल भाई चलते हैं यहाँ से। क्या कर रहे हो? ए, अगर सेंसर की लिमिटेशन नहीं होती ना तो माँ बहन की गालियाँ सुनाता मैं तुझको। ए, चल यार, भाई फालतू में से गाली देगा तो वो भी खा जाएगा। चल अपना बैग उठा चलते हैं। ए गंजे मेरी बात सुनो। अरे ब्रदर, हेलो ब्रदर, इसके लिए कोई सेंसर नहीं है क्या? हेलो ब्रदर सुनो, एक ही होटल बचा है अभी। सर खाना खाए हुए 3 दिन हो गए सर, कुछ खिला दो सर। सुनो अंदर होटल में जाना। हाँ सर। वहाँ एक गंजा सा आदमी होगा, वो आपको खिला देगा। हाँ और सर, अगर उसको ये डायलॉग सुनाओगे ना तो वो आपको मरते दम तक खाना खिलाता रहेगा। अरे छोड़, खाया नहीं पिया नहीं, उस समय 10 लाख, अभी फिर से 10 लाख खो दिए। उसके साथ ये भी है थैली। सर सर सर, हमें मैंगलुरु तक ड्रॉप कर देंगे सर, प्लीज सर हमें जाना है। सिर्फ मैंगलुरु तक? हाँ सर प्लीज सर, कर दो। आ जाओ। थैंक यू सर। हेलो 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 हेलो, सिर्फ आओ बोला। सॉरी सर, चढ़ने के लिए नहीं। जरा हेलमेट पकड़ो। अब पकड़ लिया सर। और तुम भाई? सॉरी, हमें हमारी सेफ्टी का ख्याल रखना चाहिए। आ जा आ जा, मैं हूँ प्यार तेरा। ये करने में जो मजा आता है वो किसी भी चीज में नहीं आता। थैंक यू वेरी मच सर। किस लिए? जो मैंने किया उसके नहीं लिए? सर, हमें ड्रॉप करने के लिए आपने गाड़ी रोकी उसके लिए। एक्चुअली मुझे तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए। वो क्यों सर? क्योंकि 50 किलोमीटर में 50 लीटर स्टॉक भर गया था मेरे। अच्छा अच्छा अच्छा, क्यों सर? अरे गाड़ी का स्टैंड नहीं है ना। तुम लोग मिल गए, गाड़ी को पकड़ा, मैं आराम से जाकर रिलैक्स होकर आ गया। थैंक यू। इट्स ओके सर, हमारे ड्रॉप की बात। देखो तुम लोगों ने मेरी तकलीफ में मेरी मदद की है। अगर मैं तुम्हें ड्रॉप नहीं करूंगा तो अच्छा नहीं होगा। किधर जाना है? इधर ही मैंगलोर तक। इधर ही मैंगलोर तक? ओके वेरी गुड, चलो। बट वन कंडीशन। क्या? मैं ऑलरेडी मेंगलुरु तक रेस में हूँ, इसलिए वहाँ पहुँचने तक कहीं नहीं रुकूंगा। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर सब रोकना पड़ेगा। अगर मेरे साथ चलना है तो इतना तो करना ही पड़ेगा। किसी का फोन आ रहा है, 1 मिनट। हेलो, ऐसा है क्या? ऐसा क्या कहा? ला 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 ला। ये क्या हो रहा है भाई? है? तुम गाड़ी से उतर कर यहाँ तबला बजा रहे हो, आखिर बात क्या है? वो क्या है, मैंने बेंगलुरु में एक लड़की को देखा था, वो लड़की मेरे साथ शादी करने के लिए राजी हो गई है, इसीलिए मुझे तुरंत बेंगलुरु जाना होगा। आप लोग यहाँ से चल के जाओ। अरे भाई, बेंटंगला के बाद ही तो बेंगलुरु आता है, हमें छोड़ के चले जाना। अरे ऐसा नहीं हो सकता है, मुझे अभी कभी जाना होगा। रे अरे रे, थोड़ी सी ही तो दूरी पर है। मम्मी जी, आपके लिए थोड़ी दूर होगी लेकिन मेरे लिए बहुत दूर है, अब आप लोग जाइए। तुम जी जी लगाकर इतनी शराफत से बात कर रहे हो पर हमारे लिए जरा भी सिंपैथी नहीं है। क्या जी, कौन है बेटू? 11 साल से शादी नहीं हो रही है और उसी का दर्द मैं झेल रहा हूँ, तुम उस दर्द को नहीं जानते हो। जी जी बोल रहा है। अरे चल निकल यहाँ से, निकल। ए मिस्टर, मुंह में जो भी आ रहा है बकते मत जाओ। चलिए आंटी, चलिए अंकल, हम खुद चले जाएंगे, हमें इसकी गाड़ी की कोई जरूरत नहीं है, हमें दूसरी गाड़ी मिल जाएगी। अरे अभी तक किसी की गाड़ी में बैठ कर तुम लोग आराम से हिल रहे थे, चल निकल। कल तो मेरी शादी हो ही जाएगी। अरे कल मेरी शादी है। नेत्रावती की जगह मिलेगी। लिफ्ट 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 चाहिए हमें। नेत्रावती की जगह मिलेगी। इस एरिया का कॉर्पोरेटर है क्या? नहीं, वाटर। लगता है ये पूरा टल्ली इसको बोलते कि नेत्रावती मैंगलोर के पास और उससे लिफ्ट मांग लेते हैं, ठीक है ना? देखिए नेत्रावती मैंगलोर के पास में, हमें वहीं जाना है। वो कौन सा हार्बर है? वहाँ मेरा ब्रांड मिलेगा क्या? ये ब्रांड क्या, और भी ब्रांड मिलेंगे? ऐसा है? तो चलता हूँ। भाई भाई भाई, हमें उस तरफ जाना है, हमें ड्रॉप कर दीजिए। तुमको गाने आता है? गाना?
अरे बस हम लोग पहुँचने वाले हैं। पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। चलते रहो, कट जाएगा सफर। चला नहीं जा रहा। स्टॉप, अरे रुको रुको रुको, अरे रुको। अरे ऐसा ही सूर्य प्रकाश। अरे क्या बात है, तुम कैसे हो? एक्चुअली हम बेंगलुरु जा रहे थे, गाड़ी रास्ते में खराब हो गई, इसलिए कोई ड्रॉप कर देगा क्या, ये सोच कर। हाँ मिलेगा मिलेगा, तुम यहीं रुको भाई साहब, मैं आऊं। अरे सुनो सुनो, कहाँ जा रहे हो? मैं बेंगलुरु जा रहा हूँ। बेंगलुरु जा रहे हैं? पर ये रास्ता तो बेंगलुरु जाता है ना। बेंगलुरु जाके बेंगलुरु जाना है। अरे फिर तो बहुत ही अच्छा है, हम तीनों को बेंगलुरु में ड्रॉप करके चले जाए। हाँ ठीक है, चलो बैठ जाओ। चलो चलो जल्दी बैठो। कैसा है हमारा गाड़ी रेस? अबे पीछे कोई गाड़ी है ही नहीं। सर सर आप रेस की बात कर रहे हो, लेकिन पीछे तो कोई गाड़ी ही नहीं है। मेरा रेस टू व्हीलर के साथ नहीं है। फोर व्हीलर क्या? मुझे तो कार भी नहीं दिख रही है। मेरे साथ रेस करने वाली गाड़ी आज तक रोड पर आई ही नहीं। क्या? तो फिर रेस किसके साथ है सर? मिरर में देखो। सर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ दिखाई नहीं दिया? नहीं सर। ऊपर देखो। ऐसा क्या? सर, सर, मेरा रेस हमेशा हवा में होता है। हम दोनों। ए भाई, नेक्स्ट सॉन्ग। मैं गाना सुनो? तो सुनिए। हम लोग जाए भैंसा को बैठाए, रास्ते में चलते जाए ऐसा। रुको, गाड़ी क्यों रोक दी? आपने तो कहा रोकने के लिए। मैंने गाना रोकने के लिए कहा था, तुमने गाड़ी रोक दी। सुनो भाई, मेरी बीवी बहुत खूबसूरत थी, वो भाग गई, भाग के चली गई। भाई आपका मूड हम ठीक कर देते, कोई अच्छा सा गाना गाते हैं। चलो भाई, हम लोग एक शानदार गाना गाते हैं। रुकमणी रुकमणी, शादी के बाद क्या क्या हुआ, कुछ कुछ हुआ नहीं हुआ, कुछ कुछ हुआ। गाड़ी की गाना गाना दोनों। अब क्या प्रॉब्लम हो गई भाई? तुमने कुची को बोला ना, उस कुची को नहीं, मेरी बीवी को भगाया है। बहुत गलत है भाई, बहुत गलत है। आपके जैसे इंसान के साथ जिसने ये किया है, उसे ढूंढ ढूंढ के मारेंगे। क्या करना चाहिए? उसे ढूंढ ढूंढ के मारेंगे। क्या करना चाहिए? ढूंढ ढूंढ कर मारना चाहिए। ढूंढ ढूंढ के मारना चाहिए। क्या करना चाहिए? ढूंढ ढूंढ के मारना चाहिए। क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? और भी चलो क्या? ओके जा रहा हूँ। अरे नहीं, गाड़ी स्लो कर। अरे अरे बोल रहे हैं उनको, गाड़ी स्लो करने को। नहीं बचाओ, मैं पहुंचते तक मेरी गाड़ी नहीं रुकेगी। मैंने पहले ही बोला था, एक बार मेरी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तो एक्सीडेंट होने के पहले नहीं रुकती। ये क्या है? मैं तुझे गाड़ी साइड में लगा बोल रहा हूँ, और तू भागता जा रहा है। मेंटल हो गया है क्या पागल? मेंटल 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 मेंटल। कन्नड़ में एक शब्द है जिससे मैं नफरत करता हूँ, वो है मेंटल। कन्नड़ में मेंटल शब्द कोई होता है क्या? मैंने सुना है। कहाँ पर? हॉस्पिटल में। कौन से हॉस्पिटल में? मेंटल हॉस्पिटल में। प्लेन एक्सीडेंट में गिरने के बाद 5 साल मेंटल हॉस्पिटल में रहने के बाद मेंटल हो जाऊंगा क्या मैं? नॉनसेंस। 5 साल मेंटल हॉस्पिटल में। दूसरे किसी की गाड़ी चुरा कर लाया तो मैं मेंटल हो जाऊंगा क्या? अरे ये क्या बोल रहा है? क्या सच में मेंटल है क्या? ब्रिलियंट, आई एम ब्रिलियंट मेंटल। अरे यार ये गाड़ी नहीं रुकेगा। मेंटल मेंटल मेंटल। अरे नहीं रुकेगा, हम दोनों को जंप करना पड़ेगा। मेंटल लोगों को कैसे हैंडल करना है मुझे अच्छी तरह से पता, डोंट वरी। एक्सक्यूज मी सर, ब्रिलियंट मेंटल के लिए हॉर्न करने को कहो तो नहीं करेगा क्या? क्यों नहीं करेगा, करूं क्या? ये लो। वेरी गुड सर, अगर एक ब्रिलियंट मेंटल को इंडिकेटर ऑन करने को बोलो तो नहीं करेगा? कौन सा इंडिकेटर चाहिए? लेफ्ट वाला। सुपर, क्या बात है सर, एक ब्रिलियंट मेंटल के लिए लेफ्ट ब्रेक मारने को कहो तो नहीं मारेगा क्या? नहीं मारेगा। क्यों सर, क्यों? ब्रेक रहेगा तब तो मारूंगा। क्या करना चाहिए? ढूंढ ढूंढ के मारना चाहिए। वंस मोर प्लीज। ढूंढ ढूंढ के मारना चाहिए। क्या करना चाहिए? ढूंढ ढूंढ के मारना चाहिए। क्या करना चाहिए? सामने देखिए नेत्रावती नदी है। मुझे तो कहीं भी नहीं दिख रही है नेत्रावती। मेरी एक हेल्प करोगे क्या?
क्या हेल्प करना है भाई? गाड़ी से नीचे उतरो। चल यार। ओके उतर जाते हैं। रुको ये क्या है भाई? इसे उठाकर पानी में डालना है। बस इतनी सी बात है। आप उठो भाई। हाँ इतना ही। बहुत भारी है यार इधर। ओ थैंक यू। कितना भारी था यार। अरे घर के सामने जो कचरा गाड़ी जाती है ना उसी में डाल देते हैं। यहाँ नहीं क्या जरूरत थी? कचरा होता तो मैं भी डाल देता। इसमें था क्या? मेरे दूसरा मेरा कुची को फ्रेंड था। हाय यार अरे यार अगर हम इसके साथ जाएंगे तो अपनी जान चली जाएगी और अगर जब मारेंगे तो हो सकता है हमारे हाथ पैर टूट सकते हैं। अरे उसको देख वहाँ पर ब्रेक नहीं है बोलकर गाड़ी उतर रोक दे। मेंटल हमारे तो मजा चलता है। यस यस आई एम द विनर मेंटल तेरी तो क्यों है? तुझसे मैंने इतनी मिन्नत की कि गाड़ी रोकने के लिए ब्रेक मार क्या बोला तूने? ब्रेक नहीं है। छोड़ो लूजर मैंने लेग ब्रेक नहीं है ऐसा बोला था। हैंड ब्रेक नहीं है ऐसा तो नहीं बोला था। तो तूने गाड़ी क्यों रोकी? हाँ सीधे मेरे साथ कंपटीशन नहीं कर सके इसलिए सारे प्लेन्स रिवर्स जा रहे हैं। ये आई एम द विनर। चल बहुत मजा आया था ना पागलखाने से भाग कर। अरे ये हो क्या रहा है यार? चल अरे चल चुपचाप गाड़ी जल्दी पकड़ चल क्या यार हम लोग भी एक लड़की के लिए हम लोग अपनी दोस्ती भूल गए यार। ए अब्दुल्ला ये तो लैंड है बले तो बल मिले दा। हम सब लोग दोस्त हैं यार। हम सब दोस्त हैं। फिर साढ़े चारों एक हो। ए हम लोग बेंगलोर हार्बर तो पहुंच गए यार लेकिन स्नेहित को कहाँ ढूंढे यार? स्नेहित सुनाई नहीं क्या रहे? मेरी प्रेमिका के साथ शादी करने वाला तू ही है ना? मैंने ये लोग बोल रहे थे। नहीं भाई आपसे मैंने नहीं बोला भाई इसी ने बोला। चुप रहो सब लोग। मेरी लवर से बात करके मेरी शादी करवा देना भाई। भाई ये शादी करवाएगा ना? ये भाई शादी? हाँ भाई हाँ भाई हाँ करवाऊंगा भाई। पहले मंगलसूत्र ले आइए। बिना मंगलसूत्र शादी नहीं कर सकते। जा 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 भाई मुझे मंडप रेडी करवाना है। अभी आता हूं मैं। जाके जल्दी रेडी करवा। दादी चलिए भाई। भाई मैं मुझे वो सब नहीं पता। मुझे शादी से पहले तेरे जैसा गोरा होने का। जाके किसी मेकअप मैन को लेके आ। ठीक है भाई। अरे मैडम मुझे माफ कर दो मैडम जी। मुझे बहुत तकलीफ है। अरे आपको भैंस कहाँ से आ गई? बोल ना। अरे बाप रे।
अरे ये औरत मुझसे शादी करने के लिए जबरदस्ती कर रही है। ये औरत है ताली तलते, तुम दोनों ताली बजाना ताली। अरे नालायको, इस अकेले को खराब किया ये काफी नहीं है क्या? इसके साथ शादी करा के मुझे भी मारना चाहते हो? अरे मेरे बेटे, 10 लाख रुपया दे दे, इस कमीनी को यहाँ से हम भगा देते हैं। अरे 10 लाख क्या, 10 पैसे भी नहीं दे सकते। चलो रे स्नेक को ढूंढते हैं। चलो, तेरा पैसा नहीं चाहिए। अटल 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 अटल, क्या बोला रे? गन दलित दत्ता, क्या बकवास कर रहा है बे? वो कहाँ चला गया? वो एड्रेस पूछने चला गया। बता बता बता, क्या बच्चा चाहिए तुझको? बता बता, इधर आ मेरे साथ, देता बच्चा तेरे को। चलो बता, इधर 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 बता, बता बता। लोगों को बच्चा मांगता क्या? चलो मेरे साथ। कौन है यार ये लोग? लगता है इन लोगों ने ही बच्चों को उठाया है। इसका मतलब स्नेहित यहाँ पक्का मिल सकता है। चलो देखते हैं। भाई का बोला, कौन है भाई? आप लोग कौन है? अबे समझा नहीं क्या, हम टेररिस्ट हैं। भाई हमें जो चाहिए वो टेररिस्ट नहीं, टेररिस्ट चाहिए क्या? अंकल स्नेहित, यार वो गोरिल्ला टेररिस्ट टेररिस्ट कह रहा था, दरअसल वो टेररिस्ट बोल रहा था। कमीना कहीं का, आधी बात बोल के मर गया तू? और हम तो अब तक टेररिस्ट टेररिस्ट ऐसा समझ रहे थे। बच्चा चाहिए तुम लोगों को? इनायतुल्ला किधर है? इनायतुल्ला? अरे यार वही जो शिवाजी नगर में ड्रायर बेचता है ना, वो ड्रायर बेचने वाला नहीं है समझे, शेर है मेरा भाई, शेर। अरे ये शेर वेर सब छोड़ के दूसरा जो चाहिए बोलो ना, दे देंगे। मेरे को पूरा हिंदुस्तान चाहिए। दे देगा क्या? नहीं देगा तो छीन लूंगा। हेलो एक्सक्यूज मी, तू कौन है रे? सूर्य प्रकाश। अच्छा तो तू है सूर्य प्रकाश? यस आई सूर्य प्रकाश। ये सूर्य प्रकाश लेकर आया मेरे इनायतुल्ला को? एक मिनट, बहुत सो लिया, चल बाहर निकल भाईजान। ए सूर्य प्रकाश, भेजो मेरे भाई को। पहले तुम मेरे बेटे को भेजो। छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो ना मुझे। ये यहाँ पर कैसे आया? अरे ये मेरा बेटा नहीं है। करेक्ट। तो ये कौन है फिर? कौन है ये? एसीपी सूर्य प्रकाश का बेटा है। तू कौन है? एसआई सूर्य प्रकाश। ये कमीना कंफ्यूज कर रहा है मेरे को। नहीं तो इसे यहीं कहीं भूल दूंगा। इनायतुल्ला को वहाँ भेज दीजिए, बच्चे को बचा लेते हैं। सर प्लीज सर, प्लीज सर देखिए ना सर, प्लीज सर। मेरे साहब का बेटा है ना, रहने दो। पहले तू अपने टेररिस्ट को उस साइड में कर, फिर मैं इसको भेजता हूँ। आ जाओ सब लोग इधर आ जाओ, आ जाओ। कम ऑन कम ऑन। किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको भूंदूंगा। अरे वो वहाँ है, देखिए वहाँ, चलिए। आंटी, स्नेह कहाँ है? तेरी तो, ये क्या किया तूने? स्नेह कहाँ है? अरे वहाँ देखो, अरे बच्चा वहाँ है, वो देखो। हाथ ऊपर। ये सर, भाई, इस लड़के को हम अपना मुहरा बनाकर निकल जाएंगे, ताकि कोई हमें पकड़ ना सके भाई। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम भाई, काम हो गया। आ गया। चलो मुझे जाने दो। चलो चलो। भैया ए
कौन है रे तू? ए, ये मेरे भैया हैं। अब देखना कैसे पिटेगा तू, समझा? जिसने हमारे आदमियों को मारा था यही है वो एसीपी सूर्य प्रकाश। मारा उसको। फोन नहीं मिला तो क्या करेंगे? हमारी स्नेहित की किडनैपिंग की बात की, उसने वीडियो रिकॉर्डिंग बना ली है। सुजय को पता चल गया तो क्या होगा? टेंशन है मुझे। ओहो, अरे वो देखो, लगता है इसने हमारी सारी बात सुन ली। अमिताभ बच्चन, मेरे होने वाले पति को मारते हो? मेरे शोहर को मारा तुमने? अरे मैडम जी, ये लो। अरे यार, 10 लाख रुपए चले गए। अपने 10 लाख रुपए ले लो। कोई बात नहीं, मेरी शादी अंजलि से हो जाने दे, इससे भी ज्यादा मिल जाएगा। शादी करेगा ना? पागल समझती हो? गोविंदा गोविंदा। क्या हुआ? वो बच्चा बाथरूम में छिप गया था। बाथरूम में छिपा था, बताना चाहिए था ना। कैसे बताती? आप मेरी बात सुनते कहां? अंजलि, 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 अंजलि। स्नेहित, मेरा सोना, मेरा बबलू। अंकल, अंकल, आपके पास मोबाइल है क्या? मुझे टीचर को कॉल करना है। इतना ही है ना, तेरा ही मोबाइल है, ले ले, रख ले। अंजलि, मैं आ रहा हूँ। अंकल, आंटी, भैया को आपके किडनैपिंग के प्लान के बारे में पता नहीं चलेगा, इसने मोबाइल फेंक दिया। डोंट वरी, बी हैप्पी। ये गिरजा कितना अच्छा लड़का है। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो इस लड़के को उड़ा दूंगा। hey, SCP, तू मेरे को अरेस्ट करेगा? इंडिया में अरेस्ट बोले तो रेस्ट है, रेस्ट। जेल में खूब रेस्ट करेगा, लेकिन अब की बार नहीं, नेक्स्ट टाइम। खुदा हाफिज। ए भाईजान,
ले चलो बच्चे को। हाँ भाई। तुम्हें अरेस्ट करके जेल में डालकर खाना नाश्ता सिक्योरिटी देने के बाद कोर्ट तुम्हें सजा दे, इतना इंतजार करने का पेशेंस मेरे पास नहीं है। मैं अपनी सारी कहानी खुद अपने हाथों से लिखता हूँ, कोर्ट को परेशान नहीं करता। तुमने कहा था ना कि मुझे अनाथाश्रम में ले जाकर छोड़ दो, तुम्हारी बात मैंने सुन ली होती तो आज ये कंडीशन नहीं आती। हम लोगों के दुश्मन बहुत होते हैं, आज ये था कल कोई और होगा, मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हो मैं नहीं चाहता। चलो आज मैं तुम्हें अनाथाश्रम छोड़ देता हूँ। लेकिन अनाथाश्रम जो कुछ हुआ उसकी वजह आप हैं। आप बार बार यही कहते हैं कि हमारा खून नहीं है, हमारा खून नहीं है। आज बहुत सारे परिवार में बच्चे नहीं होते, वैसे ही बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। जिन बच्चों को माँ बाप का प्यार देना चाहिए आप उसके ऊपर गुस्सा निकालते हैं। पिताजी मैं आपको कैसे समझाऊं समझ में नहीं आ रहा। इन लोगों के साथ रहने से अच्छा है कि तुम अनाथ आश्रम में ही जाकर रहो। जाओ सर। सर माँ बाप के बिना बड़ा होना कितना दुखदायक है ये हमें पता है सर, प्लीज उसे फिर से अनाथ आश्रम में मत ले जाइए सर। इस नेहित का ख्याल हम रखेंगे सर। सर हमें कितनी भी तकलीफ हो पर हम इसे अच्छे से रखेंगे सर। सच बोल रहे सर, ये बोलो ना तुम लोग। सर प्लीज सर, हम बच्चे तो ताना चिलाएंगे, अच्छे से लेते चल। प्लीज सर, हम इसका ख्याल रखेंगे। सुनिए अगर आप लोगों को एतराज ना हो तो उस नेहित को मैं लेकर जाना चाहूंगी। नहीं उसे कोई नहीं ले जाएगा। स्नेहित बेटा क्या तू हमें छोड़कर चला जाएगा? अपने अंकल आंटी को छोड़कर जाएगा क्या? बेटा आज से तू कोई भी शरारत करेगा चलेगा, हम कभी नाराज नहीं होंगे, बस तू हमारे साथ चल बेटा। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके साथ आऊँ तो मेरी एक कंडीशन है। बोलना बेटा, क्या कंडीशन है बोलना, जल्दी बोल। को एक लड़का पसंद है, आप इनकी शादी उससे करवा दीजिए। What? What is this? स्नेह क्या बोल रहे हो तुम? कौन पसंद है बेटी? पहले बता देती तो तेरी शादी करवा देते हम। अरे अभी कोई टाइम नहीं गया बेटी, कौन है वो बता दे, यही शहनाई बजवा देते हैं। शर्माओ मत, बोल दीजिए। Come on, डरो मत, बिंदास बोलो अंजलि, come on। इससे अच्छा चांस आपको दोबारा नहीं मिलेगा, बोल दीजिए। आप बेहिचक बोलिए, अगर कोई दिक्कत आएगी तो मैं आपकी शादी करूंगा। भैया टीचर ने जिस लड़के को पसंद किया है वो कोई और नहीं है, आप ही हैं। मुझे तो यस। ऐश क्या ये, मैं तुम्हें बच्चे को सिखाने के लिए ले आया, ये क्या सिखाया तुमने? क्या कंडीशन है तेरी? तूने बहुत अच्छा किया। मैंने उसे कभी कुछ नहीं कहा, सीधा मुझसे नहीं बोल सकती थी? दिमाग नहीं है क्या तुम्हारे पास? यार पैसा भी नहीं है, लड़की भी नहीं है और करने के लिए काम भी नहीं है, आगे हमारा क्या होगा यार? ए, तुम सबको रॉडी का बात क्या? क्यों भाई क्या हो गया? वो मैं दूसरी लड़की से प्यार कर रहा हूँ, उससे मेरी शादी करवा दो, मैं तुम लोगों को 20 लाख रुपए दूंगा। 20 लाख? अबे ये भी आ गया। अगर इसके पीछे पड़े ना तो देख लेना। ए क्यों बे? यही है मेरी नई टीचर।